हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज आपको मालूम है कौन सा डे है? टुडे इज वर्ल्ड हार्ट डे। बेसिकली ये एक दिन बनाया गया जिसके लिए हम सब लोगों को हार्ट के हेल्थ के बारे में बातचीत करनी चाहिए, कैसे दिल को स्वस्थ रखा जाए उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। जो वर्ल्ड के मैक्सिमम डेथ हैं वो सब हार्ट रिलेटेड डिजीज़ से ही हैं, इसलिए साल में एक दिन फेडरेशन ने एक अमेरिका का, उसने एक डे डिक्लेयर किया कि साल में एक दिन एटलीस्ट वी शुड ओनली टॉक अबाउट हाउ टू कीप आवर हार्ट वेल। सो टुडे इज़ वर्ल्ड हार्ट डे। दिल 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 का दिन, ये वाला दिन है, आज दिल का दिन है। तो दिल की सुनो तो वो सब कुछ सही सही करवाता है। सुने है ना? ओके, सो आर यू ऑल सेट टू स्टार्ट फॉर टुडे सेशन? मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट बना के डाला है वर्ल्ड हार्ट डे का, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल है @जालान सतीश। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जालान सतीश। सो उस पोस्ट को देख के अच्छा लगे, बहुत अच्छे से बनाया है इस बार पोस्ट, एकदम यही वाला जैसे मैं अभी करके दिखाया ना, एकदम यही वाला पोस्ट बनाया हमने। सर आपको मीम्स में टैग करे थे इंस्टा में? अच्छा, छूट गया तब, मैं देखा नहीं हूँगा। आई होप आप लोगों ने नोट्स डाउनलोड कर लिया जी। आज का नोट्स डाउनलोड कर लिया होगा आप लोगों ने? न्यू लुक? अरे सेम ही लुक है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। न्यू लुक इटालियन सैलून में जाके बाल कटा लेने से न्यू लुक हो जाता है, नॉर्मल सैलून में जाके जब कटाते हैं तो वो लोग सेम लुक बनाता है, बोलता है जैसा है वैसा ही दिखेंगे, पता भी नहीं चलेगा बाल कट गया, पैसे भी ले लेंगे। इटालियन में पैसे भी कम लेते, बाल भी ज़्यादा काटते हैं। सो निश्चल कुमार इज आस्किंग, इन केस ऑफ डबल शिफ्ट मटेरियल मे नॉट बी रिक्वायर्ड एट डबल रेट ड्यू टू इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर, इट मे बी टेकन एज 2/3, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि सिंगल शिफ्ट का मटेरियल अगर मान लीजिए 30,000 है तो डबल शिफ्ट होने से मटेरियल डबल नहीं होगा, 30 का 60 नहीं होगा, 30 + 2/3 of 30 होगा, 30 + 2/3 of 30 होगा।
ईटा पे बैठ के नहीं बोलो, बोलो इटालियन सलून। ईटा पे बैठ के जो सलून में हम लोग बाल कटाते हैं उसको बोलते हैं इटालियन सलून, इटालियन सलून। हमेशा अपना सीना तान के चलेंगे, चाहे हम जो भी करेंगे लेकिन सीना तान के चलेंगे। ठीक है, सुकमल बोल रहे हैं अभी ठीक है। देखो इज एवरीथिंग ऑल राइट नाउ? या अकाउंट्स का जो रिवीजन क्लास चल रहा है, क्या बोलना चाह रहे हो उसमें? स्क्रीनशॉट नहीं देते हैं। एक दिन नहीं दिए तो नहीं देते हैं, गजब। तो सर को बोलना पड़ेगा ना कि सर स्क्रीनशॉट चाहिए। क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट हो रहा है। अकाउंट्स का जो रिवीजन क्लास चल रहा है वो सीए वाले भी कर सकते हैं क्या? अगर टॉपिक मैच हो रहा है तो कर सकते हैं, बट फैक्चुअली उसमें जो सम्स वम्स पिकअप किया गया है वो सीएमए के हिसाब से पिकअप किया गया है। हाँ, कल का क्लास तो अपलोडेड है भाई, स्क्रीनशॉट का क्या टेंशन है आपको? ये बात भी तो सही बोला गया, कल का क्लास तो अकाउंट्स का अपलोडेड है। ही इज़ अनदर जेम ऑफ एस जी सी। थैंक यू सो मच, वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट। हाँ अकाउंट सर चैट कहीं और से देखते हैं, कल का चैट हम लोगों का छूट गया सर, अचानक से वो फ़ोन में उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो चैट कल फॉलो नहीं कर पा रहे थे। आपने जो इतना अच्छा अच्छा फीडबैक दिया मैं सर को भेज दे रहा हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ें कि आपसे बतियाते रहें। सो वी आर रेडी टू स्टार्ट। ओके कल जो मैंने पेबल्स मैनेजमेंट पढ़ाया था
उसका वीडियो मैंने अभी लाइव कर दिया है यूट्यूब में। सिर्फ पेबल्स मैनेजमेंट आप उन दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा जो लोग कल की क्लास किसी कारण से नहीं कर पाए, उनको बता दीजिएगा कि पेबल्स मैनेजमेंट सर ने अपलोड कर दिया है। पूरा क्लास नहीं किया है, सिर्फ पेबल्स मैनेजमेंट किया है। वेरी गुड, उज्जवल ने भी बहुत अच्छी बात कही। कि विष्णु सर ने एकदम वही पॉइंट एक्सप्लेन किया है जो हम लोगों को जानना जरूरी हो, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। वेरी नाइस, सुपर। देखिए, एक टीचर को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए होती है, वो है आप लोगों का मीठा वाणी, मीठा कॉम्प्लीमेंट, स्वीट कॉम्प्लीमेंट। मतलब ऐसा काम करता है, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी जो आपने दो तीन लिखा ना, वो मैं सर को भेज दिया। अब आज आप देखना सर क्या फाड़ के पढ़ाएंगे। वो एक मीठा कॉम्प्लीमेंट मतलब चमत्कार का काम करता है। और ऐसा किसी सर के लेके आपको जीवन में किसी से अपना काम कराना हो, आप बस मीठी पानी बोलना शुरू करिए, देखिए आपका सब काम होना शुरू हो जाएगा। चाहे घर में अगर आपको लगता है पापा आपके बात नहीं सुनते, बस लगा दीजिए आप क्या अच्छे पापा हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा है ना तैना है, ठीक है, तो बस देखिए आपका कैसे काम होना शुरू होगा। ऐसी मम्मी पे, ऐसी भाई पे, ऐसी बहन पे, ऐसी टीचर पे, ऐसी दोस्त पे, बस आप लहर बना दीजिए एक, फिर देखिए कैसे सब कुछ आपके रुख के तरफ मुड़ जाएगा। अभी ग्रुप टू का भी चिंता नहीं करो बेटा, अभी ग्रुप वन में हम लोग, ग्रुप टू का हम लोग देखेंगे, अभी ग्रुप टू में बहुत समय है। चलिए, वेरी नाइस। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आई फॉलोड एवरीथिंग, वेरी गुड। सीएस के लिए नहीं है अभी विष्णु सर का क्लास। ग्रेट, चलिए, दैट्स वेरी नाइस। सो लेट अस मूव अहेड नाउ। गाइज, आई एम स्टार्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। एक सर, आप तो हर चैप्टर से एक ही बात बोल रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है, उससे भी क्वेश्चन आता है। हाँ तो आता है तो बोलेंगे ही ना, गजब बात करते हैं आप। आता है इसीलिए तो हर चैप्टर से बोल रहे हैं, है ना। सो इससे भी आता है। और ये चैप्टर मतलब आपका FM का बेस होता है, जो फाइनल में आपको बहुत हेल्प करता है। क्योंकि फाइनल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर सम में आता है, लेकिन उसका कोई कॉन्सेप्ट जिक्र हम लोग फाइनल में नहीं करते हैं। सो व्हाट इज़ दिस नाउ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज़ दिस, चलिए पढ़ते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले देखो पढ़ने का तरीका क्या है। पहले यहाँ से पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे। व्हाट इज़ कैपिटल, कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। व्हाट इज़ कैपिटल, कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। तो ये तो आप लोगों को मालूम ही है व्हाट इज़ कैपिटल, इसको तो सिखाने का ज़रूरत नहीं है। कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, गॉट इट। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ कैपिटल, सेकेंड पॉइंट बता रहे हैं। सोर्सेज ऑफ कैपिटल जो होता है ओन्ड फंड और बोरोड फंड। ओन्ड फंड यानी इक्विटी, बोरोड फंड यानी डेट। ओन्ड फंड यानी इक्विटी, बोरोड फंड यानी डेट। देन तीसरा पॉइंट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल बनाने के लिए क्या क्या आपका, कैपिटल बनाने के लिए क्या क्या आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा। कैपिटल बनाने के लिए क्या क्या आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट्स माने होता है सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब सोर्सेज ऑफ कैपिटल। तीन टर्म बताए हैं अभी तक। कैपिटल क्या होता है, FM में कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म फंड,
दूसरा बताऊँ सोर्सेज ऑफ कैपिटल क्या होता है, ओन्ड फंड और बोरोड फंड, अपना रुपया, दुनिया का रुपया, मतलब उधार का रुपया। तीसरा बताऊँ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग सोचते हैं कि हमारा टोटल कैपिटल का ब्रेकअप क्या क्या होगा। टोटल कैपिटल का ब्रेकअप जब सोच रहे हैं तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर सोच रहे हैं। चौथा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कोई भी कैपिटल चाहे ओन्ड फंड हो या बोरोड फंड हो, वो दुनिया में फ्री नहीं है। कोई भी कैपिटल दुनिया में फ्री नहीं है, उसका एक कॉस्ट लगता है, ठीक है। तो वो जो कॉस्ट आप इनकर करते हो टू ऑप्टेन द कैपिटल, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एडिशनल अमाउंट इनकर्ड टू प्रोक्योर द कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, क्या क्या फॉर्म में लग जाता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, फ्लोटेशन कॉस्ट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इज ऑल नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल लेके आने के कारण जो जो खर्चा लगता है, ठीक है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, फ्लोटेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज, फ्लोटेशन कॉस्ट में ही ब्रोकरेज वगैरह आ जाता है, वैसे अलग से भी बोल दिया, अंडर राइटिंग कमीशन, ओके, डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो ये सब कॉम्पोजिटली एक नाम बुलाया जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सो अब बात आती है टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फोर के बाद फाइव में चलना। टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देर आर टू टाइप्स, वन इज एक्सप्लिसिट, अनदर इज इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो आपको अपने यहाँ से इनकर करना होगा, आपके हाथ से रुपया लगेगा, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट है, वो एक तरह से एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, किसी भी कैपिटल को उठाने का कंपनी में कोई जरिया होगा ना, जरिया मतलब शेयर्स के थ्रू उठाओगे, डिबेंचर्स के थ्रू उठाओगे, या कोई लोन से लोगे, तो उसके बदले कुछ कागजात बनेंगे, डॉक्यूमेंटेशन बनेंगे, अग्रीमेंट्स बनेंगे, पेपर प्रिंट होंगे, और उसका प्रोसीजर्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, उन सब का कॉस्ट लगता है, उसका कुछ कंप्लायंस फीस होता है, वो सबको पे करना पड़ता है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ लाइक यू नो पेपर प्रिंटिंग कॉस्ट से, पोस्टेज कॉस्ट से, इट कैन बी अ काइंड ऑफ ब्रोकरेज ऑल्सो, अंडर राइटिंग कमीशन, ये सब फ्लोटेशन कॉस्ट में आ जाता है। फ्लोट कराना मतलब होता है कि आप कहीं से रुपया जब लोगे तो बदले में जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, जो एजेंट्स होंगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, वो सब फ्लोटेशन में आता है। तो ये सब आपका चला के खर्च लगेगा, ऐसे इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, डिविडेंड आपको देना पड़ेगा, जो जो देना पड़ता है, विच मेक्स एन आउटफ्लो, इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट। एंड देन देर इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इम्प्लिसिट क्या होता है, व्हाट इज़ इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब ये हमें देना नहीं है बट फिर भी हमें हमारा कॉस्ट है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के जैसा सोचते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे मान लीजिए मैं एक कैपिटल लेके आया, ध्यान से सुनना इम्प्लिसिट का मतलब, मैं एक कैपिटल लेकर आया, कहाँ से, इक्विटी शेयर वालों से कैपिटल लेके आया, बदले में उनको कुछ रिटर्न देना है, जैसे वो उनको 15% रिटर्न चाहिए, तो 15% रिटर्न जो उनको देना है हर साल, दैट इज़ एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो मुझे उनको देना है। सो मेरे माइंड में एक बात है कि 15% तो 15% तो मेरा मिनिमम कॉस्ट है ही। नाउ अब उस कैपिटल को लेकर एक्चुअली उसका कॉस्ट इसलिए भी निकाल के रखते हैं कैपिटल का, कि अब ये कैपिटल को लेकर हम लोग करेंगे क्या, कोई बिजनेस करेंगे, कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब जैसे ही कोई बिजनेस या प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जैसे ही हम लोग कोई भी बिजनेस या प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, इफ़ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट इन सम काइंड ऑफ बिजनेस और सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, सो आई नीड टू मेक श्योर दैट आई मस्ट अर्न दिस 15% जो मेरा कॉस्ट मुझे अपने शेयर होल्डर को देना है। अगर उनसे रुपए लाए 15% पर, तो 15% तो कम से कम कमाना पड़ेगा ना। अब प्रोजेक्ट आया एक जिसका नाम है प्रोजेक्ट एक्स, उस प्रोजेक्ट में पता चला 20% रिटर्न आ जाएगा, तो 20% रिटर्न आ जाएगा तो प्रोजेक्ट करना ही चाहिए। अगर मैं कैपिटल लाया हूँ 15 पे और प्रोजेक्ट एक्स में मेरा 20% रिटर्न है, जब मैं कैपिटल लाया हूँ 15% पर
और प्रोजेक्ट टैक्स में मेरा 20% रिटर्न है, तो मेरा कैपिटल तो प्रोजेक्ट टैक्स में ही यूज़ होना चाहिए। अब इन दिस सिनेरियो, जब मेरे पास प्रोजेक्ट एक्स, जब मेरे पास प्रोजेक्ट एक्स था जिसमें 20% रिटर्न हमारा आ सकता है, अब एट द सेम टाइम एक प्रोजेक्ट वाई आ गया। अब प्रोजेक्ट वाई में आपको क्या रिटर्न मिलेगा वो छोड़ो, बट आपसे पूछा जा रहा है बताओ प्रोजेक्ट वाई कब करोगे, जब मिनिमम रिटर्न कितना मिलना चाहिए वाई में। मैंने क्या बोला, मैं इक्विटी शेयर होल्डर से रुपए लाया 15% पर, जो उनको देना है तो मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। नाउ जब मेरे पास 15% से कैपिटल आ गया, प्रोजेक्ट एक्स में लगाने का सोच रहा हूँ, तो उसमें पता चला 20% रिटर्न आएगा, तो ऑफकोर्स प्रोजेक्ट एक्स में मुझे रुपया लगाना चाहिए, 20% रिटर्न आएगा। अब एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट वाई भी आ गया, तो प्रोजेक्ट वाई मेरे सामने आ चुका है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें मेरा रुपया का कॉस्ट क्या समझा जाए, प्रोजेक्ट वाई में वही कैपिटल का कॉस्ट क्या समझा जाए। ठीक है, प्रोजेक्ट वाई में क्या रिटर्न आएगा वो बाद का चीज़ है, प्रोजेक्ट वाई में कितना रिटर्न आएगा वो बाद का चीज़ है, बट मेरा पॉइंट ये है कि प्रोजेक्ट वाई के लिए कितना कॉस्ट समझा जाए रुपया का। सोचो सोचो सोचो, वाई के लिए कितना कॉस्ट समझा जाए। यस, देवी पर्वत साहू ने सही बोला है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव रिटर्न, वेरी गुड, एंड दैट इज़ इक्वल टू वॉट। मैं प्रोजेक्ट वाई में तभी जाऊंगा जब वो मेरे को 20% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा होगा ना। प्रोजेक्ट वाई के लिए कम से कम 20% तो होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वरना हम एक्स में लगा देंगे, एक्स 20% दे रहा है, तो वाई के लिए मिनिमम रिटर्न 20% हो गया, वाई के लिए मिनिमम रिटर्न 20% हो गया, तभी वाई वायबल है। वाई 25 दे रहा है तो वाई वायबल है, वाई अगर 18 दे रहा है तो वायबल नहीं है वाई, क्यों, क्योंकि एक्स उसके सामने 20 दे रहा है। सो ये 20% जो मिनिमम रिटर्न बना ना वाई का, ये 20% को हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव से आप क्या कमा रहे हो, दैट बिकम्स द इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वॉट, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। सो इफ देर आर नो अपॉर्चुनिटीज देन एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट आर द सेम। जैसे वेन इट वॉज बिटवीन जस्ट प्रोजेक्ट एक्स एंड द न्यू कैपिटल दैट हैज कम, न्यू कैपिटल हैज कम एट 15% एंड देन इट वॉज प्रोजेक्ट एक्स। सो प्रोजेक्ट एक्स इज वॉट, प्रोजेक्ट एक्स इज वॉट, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या समझा जाएगा, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझा जाएगा 15%, क्योंकि वहीं से रुपया आया हुआ, बस एक्स में जो जाना है वो यही जाएगा, तो 15% उसका कॉस्ट है। नाउ एक्स के रहते रहते जिसमें 20% रिटर्न आ सकता है, वाई एक सामने में आ गया, अब वाई का मिनिमम रिटर्न क्या होगा, मिनिमम रिटर्न हमारा वाई का मिनिमम 20% आना चाहिए, नहीं तो हम एक्स में चले जाएंगे। सो इस डिस्कशन से एक चीज़ और समझना है कि वाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बिंग कैलकुलेटेड। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट नो कैपिटल इज फ्री, नो मनी इज फ्री एवर, इवन इफ इट इज अ कंपनी इज हैविंग थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज, देयर ऑल्सो द मनी इज नॉट फ्री। सो द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज टू टेक केयर ऑफ एवरी पेनी ऑफ द मनी, दे कैन नॉट जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस मनी इज फ्री बिकॉज इट इज इन अबंडेंस। ओके, सो सेकेंड इसका मेन रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल सोचने का, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द मिनिमम रिटर्न दैट वी मस्ट अर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द मिनिमम रिटर्न दैट यू हैव टू अर्न, अदरवाइज वॉट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग बिजनेस। दिस मिनिमम रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज हर्डल रेट, क्या बुलाते हैं, HURDLE, हर्डल रेट, जैसे हर्डल रेस स्कूल में भागते थे ना, वैसे हर्डल रेट। हर्डल रेट मतलब अ बिजनेस हैज़ टू अर्न एट लीस्ट दिस मच रिटर्न फ्रॉम एनी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एनी ऑफ इट्स प्रोजेक्ट। सो व्हेन अ कंपनी इज हैविंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट 15% एंड देन देर इज अ प्रोजेक्ट टैक्स हुज रिटर्न इज 20% एंड नाउ देर इज प्रोजेक्ट वाई, सो व्हाट विल बी द हर्डल रेट फॉर प्रोजेक्ट वाई और मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न इन प्रोजेक्ट वाई, दैट विल बी हायर ऑफ योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड द return available from other projects which will be 20%. So this is how you have to think. Okay, so types of cost of capital mein explicit is to be paid under an express or implied agreement, implicit is it is determined on the basis of opportunities available, got it. Next are a scope of learning,
स्कोप ऑफ लर्निंग मीन्स बेसिकली व्हाट यू लर्न इन दिस चैप्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ डेट, डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स इन सरप्लस, और यू कैन से कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड लास्टली इट इज़ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग KO बुलाते हैं. सबका अपना अपना शॉर्ट फॉर्म है KD, KP, KE, KR और KO. सो दिस इज़ द स्कोप ऑफ लर्निंग इन दिस चैप्टर. एक बात बस ये भी बता देता हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ नथिंग बट द हर्डल रेट. हर्डल रेट मीन्स मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम अ प्रोजेक्ट, मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम अ प्रोजेक्ट. जिस भी प्रोजेक्ट में आप रुपया इन्वेस्ट करोगे, उसका मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न इज कॉल्ड एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, नाउ सो बिफोर वी एक्चुअली एंटर इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, देयर इज समथिंग मोर विच इज लेवल ऑफ ऑब्लिगेशंस फॉर कैपिटल. जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ डेट हो या इक्विटी हो या फिर प्रेफरेंस शेयर हो, तो यहाँ पर आप क्यों उनको रुपया देते हो, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों देते हो. एक तो एक्स्ट्रा कॉस्ट इसलिए लगता है बिकॉज हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन करना है, प्रिंटिंग करना है, कंप्लायंस करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, एजेंट्स रखने हैं, वो तो कॉस्ट है ही. बट उसके अलावा जैसे इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है, तो ये इंटरेस्ट और डिविडेंड के प्रति किस तरीके का ऑब्लिगेशन है. ऑब्लिगेशन मतलब हम लोग जब एक्चुअली किसी से भी रुपया लेने जा रहे हैं, तो मैं बोला ना कागजात छपा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स छपा रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, उसमें टर्म्स लिख रहे हैं, तो वो टर्म्स जब अपने लिखते हैं ना, तो दो तरह से टर्म्स लिखा जाता है. उस टर्म्स से हमारा ऑब्लिगेशन बनता है जो हमें रुपए देते हैं उनके प्रति. वी गेट बाइंड इनटू अ बाइंडिंग रिलेशनशिप, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप. ऑब्लिगेशन मतलब कि मैं कुछ पक्का निभाऊंगा जो आपको यहाँ पे बोल के दे रहा हूँ. सो वो ऑब्लिगेशन दो तरह का होता है, एक होता है एक्सप्रेस्ड ऑब्लिगेशन, दूसरा होता है इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन. एक्सप्रेस मतलब मैं चला के लिख दूंगा कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिनेरियो आ जाए, मेरी कंपनी आपको हर साल का इतना परसेंट रिटर्न देगी देगी. सो दैट इज़ एक्सप्रेस्ड ऑब्लिगेशन. एक्सप्रेस्ड ऑब्लिगेशन में जो भी ऑब्लिगेशन होता है वो फिक्स्ड होता है. फिक्स मतलब हर साल इतना ही परसेंट देगी. ठीक है, अगर रिडेम्पशन के समय या लास्ट में जब पूरा टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, तो इतना परसेंट और प्रीमियम भी दे सकती है. तो जो देगी कंपनी वो एग्जैक्टली लिखा हुआ होगा, और वही लिखा हुआ को हम लोग फॉलो करेंगे, हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे. दैट इज़ एक्सप्रेस्ड एंड फिक्स्ड ऑब्लिगेशन. नाउ सेकेंडली देर इज़ इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन. वॉट इज़ द इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन? इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन इज़ I will not write what I will give. I will just say I will take money from you, and when I'm taking money from you, I might give you some kind of share in my business, matlab some kind of ownership percentage in my business, but I will not promise any return to you. I will not promise any return to you. Rather, I will make you aware in my terms that I am not committing any kind of return, but we will try and make hard that you get maximum out of this company whenever you want to sell your share. Aisa karke we don't promise you any periodic return, but we will try to safeguard everything in this company as long as possible, and we are giving you some share on all our assets. So that is kind of implied obligation, whereby you are not writing to them that anything in fixed percentage would be given to them. This is we call as implied obligation. Now where it is fixed obligation or expressed obligation? Fixed or expressed obligation comes in case of debt and in case of preference shares. There are only two sources of capital where you will find the fixed obligation, which is in debt as well as in preference share. And where you will get the implied obligation? Implied obligation is always in case of equity shares, and retained earnings always belong to equity share. Retained earning always belong to whom? Equity share. So retained earnings or equity share mein implied obligation hai, और डेट और प्रेफरेंस शेयर में एक्सप्रेस्ड ऑब्लिगेशन है. सो यू पे अटेंशन हियर, यू सी कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों में एक्सप्रेस्ड यानी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है.
और आपका इक्विटी शेयर और रिजर्व्स दोनों भाई भाई जैसा ही है, और इन दोनों में इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन है, ठीक है, दो में फिक्स्ड है, दो में इम्प्लाइड है, ओके। सो ये मैंने यहाँ पे लेवल ऑफ ऑब्लिगेशंस फॉर कैपिटल आपको समझा दिया, एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड कहाँ पे होता है, डेट में होता है और प्रेफरेंस शेयर में होता है, और इम्प्लाइड कहाँ पे होता है, इक्विटी में होता है, इक्विटी शेयर्स में होता है, और रिटेन रिटेन अर्निंग्स या रिजर्व्स एंड सरप्लस में होता है, ठीक है। सो एक बेसिक है जो हम लोग क्लास में तो काफ़ी समय लेके करते हैं, अभी तो एक हल्का सा बात ही बता दूंगा कि ये पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो फंडा है वो कैसे डिराइव होता है, मतलब वो डेरिवेशन के लिए लॉजिक है। हालांकि मैं अभी रिवीजन क्लास बोलकर डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, जबकि हम रेगुलर क्लास में पूरा का पूरा डेरिवेशन सहित इस चैप्टर को सीखते हैं। अभी मैं एक फंडा बता देता हूँ कि कैपिटल का कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं हम लोग कोई भी जगह पर। तो एक बेसिक आइडिया है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने कैपिटल के बहाने कितना रुपया लिया, जिसको हम लोग बोलेंगे ईयर ज़ीरो में इनफ्लो, इनफ्लो बोल सकते हो, या फिर मैं बोलता हूँ नेट इशू प्रोसीड्स, नेट इशू प्रोसीड्स, इशू प्रोसीड्स आपने कितना रुपया उठाया मार्केट से, चाहे वो डिवेंचर हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, सब में एक ही फंडा है, ठीक है। नेट इशू प्रोसीड्स मान लीजिए डिवेंचर है जिसमें हम लोगों का 100 रुपया का इशू प्राइस था, बट उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपया लग गया और 10 रुपया हमने डिस्काउंट दे दिया, तो नेट में मेरा 85 आया, ठीक है। अब मान लीजिए इसका रिडेम्पशन कब होगा, इसका रिडेम्पशन होगा सिर्फ 2 साल बाद ही, छोटा सा पीरियड के लिए हमने लिया था, 2 साल बाद हमने इसको रिडीम करने का प्लान किया है, तो उस समय मेरा आउटफ्लो होगा, रीपेमेंट, कैपिटल उठाओगे तो फिर आउटफ्लो होगा, अब रीपेमेंट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे रिडेम्पशन प्रोसीड्स, ठीक है। तो वो हम क्या दे रहे हैं, सीधा 85 के बदले हम मान लीजिए 110 रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक है। सो अब मुझे पता लगाना है कि 85 रुपया मैंने हाथ में लिया और 110 लौटाया 2 साल बाद, तो ये 2 साल का पीरियड का मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो जस्ट अगर अमाउंट में जानना है तो इट इज़ 110 माइनस 85, दैट इज़ द कॉस्ट। इफ़ यू वॉन्ट टू नो कॉस्ट पर एनम, देन इट कैन डिवाइड बाई टू, बिकॉज देर इज़ 2 ईयर्स इन्वॉल्व हियर, बट वी डोंट वॉन्ट टू गेट इन दैट मैनर दैट यू आर थिंकिंग नाउ। वी हैव टू टेक इट इन कंपाउंडिंग मैनर, वी हैव टू टेक इट इन कंपाउंड इंटरेस्ट मैनर। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैनर कैसा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैनर कैसा होगा, वो फंडा है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r के पावर में n। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r के पावर में n। सो फ्यूचर वैल्यू इज 110, प्रेजेंट वैल्यू इज 85 इंटू 1 प्लस r के पावर में 2। बस आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आर इज इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा, देखो 110 बाई 85 और पावर में 2 मतलब रूट कर देंगे, 110 डिवाइडेड बाई 85 का रूट किया तो ये आ रहा है 1.13759। सो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, 13.76% आ रहा अप्रॉक्स। सो ये क्या है, ये सॉल्व करने का एक तरीका है, इससे आपका आर का वैल्यू आया, ये आर ही आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, ये आर ही आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। वो कौन सा है, जिस डिपेंड करता है कि वो डेट है तो केडी हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर है तो केपी हो जाएगा, इक्विटी शेयर है तो केई हो जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस है तो केआर हो जाएगा, मतलब जैसा जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा वैसा वैसा वो आ जाएगा। सो बेसिक आइडिया यही है, हर एक फार्मूला हम लोग यहीं से इसी बेसिक फार्मूला से डिराइव करें। पिछला दिन जो पेबल्स मैनेजमेंट पढ़ाया था उसका वीडियो अभी यूट्यूब में डाल चुका हूँ, आपको बता दिया मैंने, उसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, उसमें भी जो फार्मूलाज थे वो यहीं से डिराइव हो गए थे ना, फ्यूचर वैल्यूज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यूज है। सो यही मेन थीम है। अब इसी को बोलने का तरीका ऐसा भी होता है, जैसे आप ऐसा बोल सकते हैं ना, 110 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 85, ठीक है। अब 110 बाई 1 प्लस r स्क्वायर, यहाँ से ही आप ठीक से सोचो, 110 बाई 1 प्लस r स्क्वायर को हम लोग एक और नाम से बुला सकते हैं कि 110 को 2 बार हमने डिस्काउंट किया है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हमारा फ्यूचर कैश आउटफ्लोज, क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोज। और ये 85 क्या है,
85 इज़ आवर इशू प्रोसीड्स. व्हाट इज दिस 85? 85 इज़ आवर इशू प्रोसीड्स. ठीक है, 85 इज़ आवर इशू प्रोसीड्स. गॉट इट? सो इफ यू सी व्हाट इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेसिक डेफिनेशन, इट इज़ द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू इशू प्रोसीड्स. देखो ना, यही बेसिक्स फॉर कैलकुलेशन है. अमाउंट टेकन और नेट इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट एट विच, इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू इशू प्रोसीड्स या नेट इनफ्लो. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे समझाया हूँ और इसी से पूरा चैप्टर का हर एक केस का फॉर्मूला डिराइव होता है. अभी के रिविजन सेशन में मैं फार्मूला डिराइव यदि ना करूँ तो आप मुझे बख्श दीजिएगा, बट ऐसा ना सोचिएगा कि सर ऐसे ही पढ़ा देते हैं. सर जब रेगुलर क्लास में घुसते हैं, आप लोगों को पता है, जो अच्छा अच्छा जगह नहीं होता वो यहाँ पर ज़रूर होता है. वो है हर एक चीज़ का लॉजिक और डेराइवेशन. तो इवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हम लोग हर एक को डिराइव करते हुए चलते हैं. फ़िलहाल के लिए मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा एग्ज़ाम ओरिएंटेशन मूवमेंट कर रहा हूँ. पहला अभी अपने शुरू कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट. द फर्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ डेट. कॉस्ट ऑफ डेट, ओके, KD. सो एक बेसिक डिस्कशन के लिए कि फीचर्स ऑफ डेट क्या है. हालांकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, बट फिर भी फीचर्स ऑफ डेट क्या है उसके बारे में अपने बात करें. ठीक है, फीचर्स ऑफ डेट में इट इज़ सिक्योर्ड बैक्ड बाय अ कोलैटरल. फीचर्स ऑफ डेट क्या है? इट इज़ सिक्योर्ड, है ना, बैक्ड बाय अ कोलैटरल. मतलब अगर आप एज अ डेट होल्डर सोचो, आप एज इन्वेस्टर इन डेट सिक्योरिटीज़ आप सोचो, तो आप ये जान के रखो डेट हमेशा सिक्योर्ड होता है. बदले में कोलेट्रल रखना ही पड़ता है. मैं जब भी डेट इशू करूँगा तो बदले में आपको टर्म्स एंड कंडीशन में सिक्योरिटी ज़रूर दूंगा. दूसरा एक्सप्रेस्ड ऑब्लिगेशन है, मतलब फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको हमेशा दूंगा. तीसरा फाइनेंशियल लिवरेज कंपनी को मिलता है, मुझे फाइनेंशियल लिवरेज मिलता है. मैं कंपनी हूँ तो मुझे फाइनेंशियल लिवरेज मिलता है डेट के कारण. जो मैं आपको लिवरेज चैप्टर में समझाया था कि कोई भी तरह का फिक्स कॉस्ट आपके इनकम स्टेटमेंट में आ जाता है तो उससे आपको लिवरेज मिलता है कि थोड़ा सा मेहनत करने से भी ज़्यादा रिवॉर्ड आता है. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डेट इज़ एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर फॉर टैक्स पर्पज़. ये मेरे लिए एक बेनिफिट है कि जब भी मैं इंटरेस्ट देता हूँ तो इंटरेस्ट मैं जब भी आपको पे करूँगा तो मेरे को गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है, टैक्स देने के पहले इंटरेस्ट माइनस कर लो, इट इज़ एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर. सो इंटरेस्ट से मेरा टैक्स सेविंग्स होता है. इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग अर्निंग्स कमा के लाए हैं 100 रुपीज़ और मुझे टैक्स देना है, मान लो अर्निंग्स अगर कमा के लाए 100 रुपीज़ टैक्स देना है एट द रेट 30%, तो नॉर्मली EBIT पर टैक्स 30 रुपीज़ जाता है. सो मेरा नेट इनकम आफ्टर टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स तो 70 आ रहा है. अगर मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है तो ये सिनेरियो है. मान लीजिए मैं फ़ंड लिया, वो डेट से नहीं लिया, प्रेफरेंस शेयर से ले लिया या फिर इक्विटी शेयर से फ़ंड ले लिया, तो इसका मतलब नो इंटरेस्ट. मतलब मैं कैपिटल फिर कहाँ से लिया? कैपिटल वॉज टेकन फ्रॉम इक्विटी या फिर प्रेफरेंस से ले लिया. तो मैंने डेट नहीं लिया तो इंटरेस्ट नहीं है. इंटरेस्ट नहीं तो 100 रुपया कमाया तो टैक्स कितना दिया? 30 रुपया दिया, तो जो बचा 70 बचा. अब यही सोचो, अगर कैपिटल यदि हम लोग डेट वालों से ले लें, कैपिटल किससे ले लें? डेट से कैपिटल ले लें, तो मेरा EBIT यदि 100 है, ठीक है, तो इंटरेस्ट मेरा कुछ लगेगा ना. इंटरेस्ट मान लीजिए हमारा 20 रुपीज़ लगना है फॉर एग्ज़ाम्पल. तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना हुआ? 80 हो गया. अब मेरा टैक्स कितना लगेगा? अब मेरा टैक्स लगेगा एट द रेट 30% 80 के ऊपर. सो ये 24 आया. सो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हमारा 56 आया. ठीक है. सो देखो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ डेट हम लोगों का टैक्स सेविंग्स हुआ. पहले टैक्स 30 लगता, अभी टैक्स कितना लगा? 24 लगा. टैक्स सेविंग्स कितना हुआ? 6.
और वो टैक्स सेविंग्स कैसे पता चलता है? बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट 20 रुपीज़ है, तो जितना टैक्स इंटरेस्ट के ऊपर हो सकता है 20% का 30% 6, दैट इज़ ओनली द टैक्स सेविंग्स। तो बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों का टैक्स सेविंग्स हो गया। क्या हुआ? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों का टैक्स सेविंग्स हो गया, राइट? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट टैक्स सेविंग्स हो गया, इंटरेस्ट सेव्स टैक्स। ओके, अब आप बोलेंगे सर ऐसा टैक्स सेविंग करके क्या फ़ायदा हुआ, देखिए ना अर्निंग्स आफ्टर टैक्स तो कम हो ही गया। हाँ ये बात सही है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स तो कम हो ही गया, बट पॉइंट ये है ना, देखो इस अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में बंटवारा बहुत जगह होगा। क्यों होगा? बिकॉज आपने सारा रुपया इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर से लिया है, तो बहुत सारे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में बटेगा, तो पर हेड इनकम कम आएगा। अब इसमें अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कम आया, बट बंटवारा भी कम जगह होगा, क्योंकि बहुत सारा रुपया डेट से आ गया है, तो डेट वालों को तो बीसी चाहिए। अब जो बचा वो कम लोगों में बटेगा, तो पर हेड हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा आएगा। इसी को लिवरेज बोलते हैं, पर हेड इनकम को बढ़ा देता है डेट, इसी को फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट से टैक्स भी बचा हमारा, तो इंटरेस्ट से जब टैक्स बचता है तो हम लोग अपने यहाँ पे क्या समझते हैं पता है इस लाइन से, कि हमारा नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी के लिए कितना होगा, हमेशा याद रखोगे इट इज़ इंटरेस्ट इन माइनस टैक्स सेविंग्स ड्यू टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग्स ड्यू टू इंटरेस्ट, दिस इज़ आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और टैक्स सेविंग्स ड्यू टू इंटरेस्ट आपको दिख रहा है ना, 30 माइनस 24 6 हुआ, इसको निकालने का शॉर्टकट है, सोचिए इंटरेस्ट है आई माइनस आप कर देंगे आई इंटू टी, आई इंटू टी यानी इंटरेस्ट अमाउंट 20 × t इज टैक्स रेट 20% का 30% इज 6, तो नेट टैक्स सेविंग 6 का ही है 30 माइनस 24 करके, तो दिस इज आई इंटू 1 माइनस t, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस t। ये एक छोटा सा नमूना दिखाया कि मैं डेरिवेशन करता हूँ हर चीज़ का, ऐसे ही मैं हर चीज़ का डेरिवेशन करता हूँ, बट प्लीज़ हम लोग अभी यहाँ पर कोई भी डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। डेट प्रोवाइडर्स के पास यूजुअली कोई वोटिंग पावर नहीं होता, दे कैन डेवलप वोटिंग पावर अगर आपने उनका बहुत सालों से पेमेंट नहीं किया है, तो एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशन दे मे डेवलप वोटिंग पावर। नाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट वी नीड टू नो सर्टेन एब्रीवेशन विच आई विल बी यूजिंग इन आवर नेक्स्ट पेज। आई मीन्स इंटरेस्ट अमाउंट ईच पीरियड, टैक्स रेट इज टी, आर पी इज रिडेम्पशन प्रोसीड, आई पी इज इशू प्रोसीड एंड इज नंबर ऑफ पीरियड्स। नाउ बेस्ड ऑन दिस लेट अस डू सम थॉट प्रोसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ के डी। के डी का जब भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में, तो सबसे पहले आप देखोगे कि क्या क्वेश्चन में डेट का लाइफ दिया है, इज लाइफ गिवन, लाइफ मतलब मैच्योरिटी पीरियड, कि कितना साल बाद डेट का रीपेमेंट होगा, इज लाइफ गिवन, सबसे पहला यही सवाल है, इज लाइफ गिवन। अगर लाइफ नहीं दिया है, जवाब है यदि नो, इफ लाइफ इज नॉट गिवन, जवाब में यदि आया है नो, तो आप बोलोगे कि ये डेट हमारा परपेचुअल है। परपेचुअल मतलब ऐसा डेट हम लोग रिडीम नहीं करते हैं, हम लोग बस साल दर साल इसका इंटरेस्ट देते रहते हैं। परपेचुअल डेट अभी लीगली अलाउड नहीं है, बट हमारे सम्स वॉन्स में आ सकता है, ठीक है। ऑफिशियली वो कंपनीज एक्ट के रेगुलेशंस हैं, सेबी के रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से होते हैं, बट परपेचुअल डेट जैसे अभी अपने साधारण जन साधारण में बात करें, तो जैसे अपनी बहन से रुपया ले लिया उधार, देना बहन उधार, तो वो बोलती है हाँ रोज का 5% इंटरेस्ट लगेगा, रोज का 5% इंटरेस्ट। देखो कितना गजब का कैलकुलेशन है, रोज का 5%, यहाँ FD में साल का 5% मिल रहा है, उसको रोज का 5% इंटरेस्ट चाहिए, तो अपन भी क्या बोलते हैं हाँ तू दे तो सही, रोज का 5% दे देंगे। तो शाम को गए बोले भैया मेरा रिपेमेंट, बोले रिपेमेंट क्या चीज़ का, आज का 5% इंटरेस्ट ले, बस रोज जाके उसको 5% इंटरेस्ट देते चलो और उधार चलाते चलो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डेट परपेचुअली चलता रहा, रोज का यानी पीरियोडिक इंटरवल में आप इंटरेस्ट देते जाइए। और इंटरेस्ट का फ़ायदा क्या, इंटरेस्ट से आपका टैक्स सेव होता है, तो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगा, आई इंटू 1 माइनस t होगा। और आपको इसका KD कैसे निकालना है, इट इज़ KD इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस t डिवाइडेड बाई IP, आई इंटू 1 माइनस t, आई इंटू 1 माइनस t डिवाइडेड बाई IP, समझ में आ रहा है आपको, ये सीधा फ्लैट एक लाइन में लिखा हुआ है, यदि आई इंटू 1 माइनस t डिवाइडेड बाई IP। परपेचुअल का हमेशा यही फंडा है हर जगह, परपेचुअल का एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू होता है, परपेचुअल में प्रेजेंट वैल्यू होता है एनुअल अमाउंट डिवाइडेड बाई R, R इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमको R निकालना है तो इट विल बी A बाई प्रेजेंट वैल्यू, अभी A का मतलब है पीरियोडिक अमाउंट विच इज़ आवर नेट इंटरेस्ट, पीरियोडिक अमाउंट इज़ आवर नेट इंटरेस्ट, एंड PV इज़ द
आईपी दैट इज़ द नेट अमाउंट विच वी आर हैविंग नाउ बिकॉज ऑफ दैट परपेचुअल डेट, ठीक है, तो इसके बेस पे ये हमने डिराइव किया. नाउ अगर लाइफ नहीं दिया हुआ है, अगर डेट का लाइफ नहीं दिया हुआ है तो परपेचुअल हो गया, अगर लाइफ दिया हुआ है तो फिर आप एक क्वेश्चन रेज करेंगे, इज इट कन्वेंशनल. क्या क्वेश्चन है? इज इट कन्वेंशनल. कन्वेंशनल कब होगा? जब दो कंडीशन मीट हो जाएगा. कन्वेंशनल कब होगा? जब दो कंडीशन मीट हो जाएगा, ठीक है. इज इट कन्वेंशनल? कन्वेंशनल कब होगा? जब दो कंडीशन मीट हो जाएगा. और वो दो कंडीशन क्या है? इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होना चाहिए, और बुलेट रिडेम्पशन होना चाहिए. बुलेट रिडेम्पशन का मतलब है कि सारा का सारा रीपेमेंट एक साथ होगा और एट वंस होगा. सारा का सारा रीपेमेंट कैसा होगा? एक साथ होगा और एट वंस होगा. सारा का सारा रीपेमेंट कैसा होगा? एक साथ होगा और एट वंस होगा. बुलेट रिडेम्पशन का मतलब होता है एट वंस, एक साथ, वन टाइम में, एंड ऑफ पीरियड में जाके पूरा रिडेम्पशन कर देंगे और बीच बीच में कोई रीपेमेंट नहीं होगा, ओके. और इंटरेस्ट रेट हर समय कांस्टेंट रहेगा. अगर ये दोनों पॉइंट मैच हो गया, बोथ कंडीशन मस्ट बी प्रेजेंट, अगर दोनों कंडीशन मैच हो गया आपके डेट के टर्म्स एंड कंडीशन में, तो वो कन्वेंशनल डेट है. कन्वेंशनल डेट का हमारा KD निकालने का एक बड़ा सारा फॉर्मूला है, याद हो आप लोगों को, I इंटू वन माइनस टी प्लस RP माइनस IP बाई N होल डिवाइडेड बाई RP प्लस IP बाई 2, ठीक है. तो इसको याद रखने का एक तरीका क्या होता है, जैसे ये क्या है हमारा, I इंटू वन माइनस टी इज़ द कॉस्ट दैट वी आर बियरिंग फॉर द इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट. एंड वॉट इज़ दिस RP माइनस IP बाई N? RP माइनस IP बाई N इसलिए करते हैं, जैसे अगर हमने इशू में 85 लिया, मान लीजिए कॉस्ट वॉस्ट कट कट आके 85 आया, और रिडेम्पशन में हम 120 दे रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रीमियम एंड ऑल, प्रीमियम भी दे रहे हैं, तो 85 से 120 का जो डिफरेंस है, ऐसा तो हम हर साल इंटरेस्ट भी दे ही रहे हैं, वो I इंटू वन माइनस टी में आ गया, बट 85 से 120 का भी जो डिफरेंस हम बियर कर रहे हैं उसको हम अमोर्टाइज करें ओवर द पीरियड ऑफ द डिवेंचर और द पीरियड ऑफ डेट. सो RP माइनस IP बाई N क्या कर रहा है? अमोर्टाइजेशन कर रहा है फॉर द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड रिडेम्पशन प्राइस. अमोर्टाइजेशन कर रहा है फॉर द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड रिडेम्पशन प्राइस, ठीक है. होल डिवाइडेड बाई RP प्लस IP बाई 2, होल डिवाइडेड बाई RP प्लस IP बाई 2, ठीक है. सो RP प्लस IP बाई 2 का क्या लॉजिक है? दिस इज बेसिकली एन एवरेज कैलकुलेशन, ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू बाई 2, ओपनिंग वैल्यूज IP, क्लोजिंग वैल्यूज RP डिवाइडेड बाई 2. तो इससे आपका KD निकल जाता है. और एक अगर वो नॉन कन्वेंशनल निकला, पता चला कि उसमें इंटरेस्ट रेट अलग अलग है या फिर उसका रिडेम्पशन अलग अलग टाइम पीरियड पे हो रहा है, तो उस समय आपके पास कोई उपाय नहीं है अदर देन कोई इक्वेशन बना के सॉल्व किए बिना. जैसे इसका एग्जांपल हम बता देते हैं, मान लीजिए इशू प्रोसीड्स है 85 नेट में, ठीक है, और रिडेम्पशन होता है मानिए रिडेम्पशन होता है, सोचिए फेस वैल्यू 100 था, रिडेम्पशन ऑफ प्रिंसिपल बोल देता हूँ, रिडेम्पशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 20% पर ईयर, और इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम. सो अब ऐसा सिनेरियो में क्या हो रहा है, देखो रिडेम्पशन हर साल हो रहा है बोलकर एक कंडीशन वायलेट हो गया, तो जैसे ही एक भी कंडीशन वायलेट हो जाएगा वो नॉन कन्वेंशनल हो गया, इंटरेस्ट रेट सेम है तो क्या हुआ, ठीक है. और अब ऐसा सिनेरियो में KD हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको हम लोग क्लास में सिखाते थे कि सबसे पहला आप इशू प्रोसीड्स जान लो, ये भी मैंने तो 85 दे दिया डायरेक्टली, नहीं तो क्वेश्चन में पढ़ के इसको कैलकुलेट करना पड़ता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना है, डिस्काउंट माइनस करना है. सेकेंड नंबर आपको अपना आउटफ्लो ईच ईयर पता करना पड़ेगा कि कितना आप ईच ईयर आउटफ्लो बियर कर रहे हैं, आउटफ्लो ईच ईयर आपको पता करना पड़ेगा. आउटफ्लो ईच ईयर में क्या क्या आएगा, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, याद आ रहा है ऐसा टेबल हम लोग बनाते थे, ईयर 1, 2, 3, 4, 5. फिर हम लोगों का आउटफ्लो के बाद यहाँ पर हम लोगों का एक प्रेजेंटेशन होता था कि आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, फिर आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट आएगा,
फिर आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट भी आपको एक और कॉलम बना देते हैं, इंटरेस्ट का भी टैक्स रेट मैंने नहीं दिया ना, तो टैक्स रेट दे देता हूँ, 30% है। तो ये एक टेबल बनाना सिखा देते हैं जिससे आपका वर्किंग कर पाए आप। आई इंटू वन माइनस टी होगा, फिर आपका प्रिंसिपल रीपेड आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करके टोटल आउटफ्लो आएगा जो हम लोग को चाहिए एक्चुअली ईच ईयर, और फिर आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपको रखना होगा जिससे नेक्स्ट पीरियड में इंटरेस्ट निकलेगा। तो याद आ रहा हो आप लोग को ऐसा टेबल, हेल्प कर सकते हैं आप जल्दी जल्दी बनाने में मुझे। सो फ्रेंड्स, इसमें पहला फिगर होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 100, फेस वैल्यू 100, इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 10 आई इंटू वन माइनस टी, यानी 10 का 1 माइनस 0.3 इज 7, 10 इंटू 1 माइनस 0.3 इज, टैक्स रेट इज 0.3, तो 7 प्रिंसिपल रीपेमेंट 20% ईच ईयर, यानी 20 रुपीज़, फेस वैल्यू 100 है तो 100 रीपेमेंट होगा, टोटल आउटफ्लो होगा 20 प्लस 7 27, जैसे दिस इज ए दिस इज बी, तो दिस विल बी ए प्लस बी। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा आपका कि 100 में से 20 रीपे कर दिया तो 80, अगला का 80 ओपनिंग होगा, अगला का 80 ओपनिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका इंटरेस्ट 8 रुपये आएगा, 80 का 10%, यहाँ पे 8 का 1 माइनस 0.3, 8 इंटू 0.7 कर रहे तो 5.6, 8 इंटू 1 माइनस 0.3, प्रिंसिपल रीपेमेंट 20, 25.6, 20 पेमेंट हो गया तो 60, यहाँ पे 60 का इंटरेस्ट 6.7, 4.2, 20, 24.2, ठीक है। 40 का 10% 4, 4 का 0.7, 2.8, 20, 22.8, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया आपका 20, तो यहाँ ओपनिंग है 20, इंटरेस्ट 2 का 0.7, 1.4, प्रिंसिपल 20, 21.4, और आउटस्टैंडिंग ख़त्म। सो ये दो स्टेप के बाद तीसरा स्टेप होता है जिसमें आपको इक्वेशन बना देना होता है। तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। थर्ड स्टेप में वी से लेट केडी इज इक्वल टू से आर फॉर एग्जांपल, और इक्वेशन बनाते 85 इज इक्वल टू, वो इक्वेशन समझाया था ना मैंने कि सारा फॉर्मूला इसी इक्वेशन से डराइव हुआ है कि इश्यू प्रोसेस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज आपका क्या क्या है, फ्यूचर कैश फ्लो एक में 27 है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू होगा 1 प्लस आर के पावर में 1 पहला साल, फिर 25.6 है तो 1 प्लस आर के पावर में स्क्वायर, फिर 24.2 है तो 1 प्लस आर के पावर में क्यूब, फिर 22.8 है तो 1 प्लस आर के पावर में 4, फिर 21.4 है तो 1 प्लस आर के पावर में 5। सो लाइक दिस विल मूव अहेड, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। लाइक दिस विल मूव अहेड, एंड आपको इंटरपोलेशन से ये सॉल्व करके आर का वैल्यू निकालना है। सो ये आपका तीसरा केस हो गया नॉन कन्वेंशनल, जो एग्ज़ाम में भी बहुत कम आता है बट फिर भी पढ़ाई का पार्ट है। सो इस तरह से केडी का थॉट प्रोसेस तैयार होता है दोस्त। थॉट प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या सोचोगे, थॉट प्रोसेस क्या है केडी में, सबसे पहले क्या सोचोगे कि मैं पहले ये देखूँगा कि लाइफ दिया हुआ है कि नहीं, अगर दिया हुआ है तो फिर देखूँगा कन्वेंशनल है कि नहीं, कन्वेंशनल है तो कन्वेंशनल वाला फॉर्मूला, कन्वेंशनल नहीं है तो फिर ये तीन स्टेप का इक्वेशन से सॉल्व करने वाला फॉर्मूला जिसमें आप इशू प्रोसीड्स आउटफ्लो ईच ईयर और केडी इक्वल टू आर इज मानकर आप इक्वेशन बना के इंटरपोलेशन से सॉल्व करोगे, और परपेचुअल दिया है तो आई इंटू वन माइनस टी बाई आई पी करोगे, ठीक है। सो ये केडी का बातचीत हो गया, हम लोग नेक्स्ट आ रहे प्रेफरेंस शेयर में। देखिए लास्ट में एक बड़ा सम कराएंगे जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, अभी आप खाली फटाफट थॉट प्रोसेस को जानो। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स
बेसिकली उसका भी अपना फीचर्स है कि इसमें कोई वोटिंग पावर नहीं होता, जब तक आप उनके कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं तो वोटिंग पावर कोई नहीं दिया जाएगा। एक्सप्रेस्ड ऑब्लिगेशन है यानी कि फिक्स्ड आपको पेमेंट करना है। प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर कंपनीज एसेट, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कल को किसी कारण से कंपनी का एसेट बेचना पड़ा, ठीक है, लिक्विडेट करना पड़ा, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल का भुगतान किया जाएगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर वालों को लौटाया जाएगा रुपया, ठीक है। सो दैट इज़ प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर द कंपनीज एसेट। देन इट कैन बी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है कि जैसे इस साल अगर आप डिविडेंड ना दिए को तो अगला साल दोनों साल का मिला के देना होगा। अगर 2 साल का नहीं दिए तो उसके तीसरा साल, थर्ड साल, लास्ट 2 साल और इस साल तीसरा, ये तीनों मिला के देना होगा। ओके, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब एक साल नहीं दिया तो दूसरा साल को जरूरी नहीं कि पिछला का देना है। एक्चुअल में करेंट सिनेरियो में गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है कि आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल इशू करो, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड का एक और प्रॉब्लम क्या है कि दीज आर नॉट अलाउेबल एक्सपेंसेस फॉर टैक्स पर्पस, तो इसमें टैक्स सेविंग्स नहीं होता। प्रेफरेंस डिविडेंड के कारण कोई टैक्स सेविंग्स नहीं होता, उल्टा अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे कभी भी अपने शेयर होल्डर को तो गवर्नमेंट अलग से आपसे एक टैक्स मांग लेता है जिसको अपने बोलते हैं DDT या CDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, या फिर कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपसे अलग से रेट मांग लेता है, क्या, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसके कारण अगर हम 10 रुपया प्रेफरेंस डिविडेंड में देंगे ना तो एक्चुअली मेरा कॉस्ट थोड़ा और ज़्यादा ही आएगा बिकॉज उसके ऊपर मेरे को एक DDT भी भरना पड़ता है। सो प्रेफरेंस डिविडेंड में क्या होता है, जितना डिविडेंड देना है उसका अमाउंट और बढ़ जाता है, बट इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, जितना इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट में टैक्स सेविंग्स आ जाता है। इंटरेस्ट में तो सेविंग्स आता है बट प्रेफरेंस डिविडेंड में क्या होता है, वो अमाउंट और बढ़ जाता है, ठीक है। सो आपका नेट जो प्रेफरेंस डिविडेंड का कॉस्ट होता है ना वो और हायर होता है, विच इज़ इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड बाई 1 माइनस CDT, ठीक है। ऐसे नहीं सोचते, प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 1 प्लस CDT करने से ना क्या होता है, टैक्स रेट कम आता है। जैसे अगर CDT का रेट मान लो 15% है फॉर एग्जांपल, तो और प्रेफरेंस डिविडेंड मुझे देना है 100 रुपीज़, सोचो डिविडेंड देना 100, तो एक कैलकुलेशन का तरीका क्या हो सकता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड 100 है उस पर प्लस CDT दे दो आप 15 रुपया, तो 15% ऑफ 100 है मान लो, तो 115 हो रहा है, ठीक है। और एक कैलकुलेशन है कि आपका ये जो 15% है मान लीजिए, वो अगर PD आपका 100 है, जैसे ये 15% अभी इसके ऊपर लगा हुआ है, और अगर ये CDT आपका 15% मान लीजिए इसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये तो मुझे मालूम नहीं है कितना रुपया है, करेक्ट। मुझे ये मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल इसको सॉल्व करके निकालना है कि 15% इसके ऊपर है, तो ये यदि 100 होगा तो ये 15 होगा, तो दिस हैज़ टू बी 85, करेक्ट। सो If 85 is equivalent to 100, then 100 will be equivalent to what? ये हम लेट कर रहे हैं कि CDT इसके ऊपर 15% है, तो ये कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई, जैसे यूनिटरी मेथड लगाइए ना, इफ़ 85 इज इक्विवेलेंट टू 100, देन 100 विल बी इक्विवेलेंट टू वॉट, तो क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 85 इंटू 100, दिस इज कमिंग 117.65, 117.65। अब इसका 15% हो रहा है 17.65। सो देखो CDT जिसमें ज़्यादा होता है ना, गवर्नमेंट हमेशा चाहता है मैं ज़्यादा टैक्स वसूल लूँ, तो गवर्नमेंट बोलता है यदि मैंने बोला आपको CDT रेट 15% है, तो 15% ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आपको 100 देना है तो 100 इंटू 15% करोगे तो मेरे पास 15 रुपया टैक्स आएगा। गवर्नमेंट बोलता है नहीं 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 मैंने तो ऐसे नहीं समझाया था रेट, मैंने तो ये वाला रेट समझाया कि आपको मेरे को 17.65 देना है, तो इसलिए नेट प्रेफरेंस डिविडेंड कॉस्ट PD बाई 1 माइनस CDT से आता है, नॉट PD इंटू 1 प्लस CDT से। हालांकि इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास आने वाला नहीं है अभी एग्जाम में, जस्ट एक नॉलेज पर्पज़ के लिए मैंने बता दिया कि PD इज इक्वल टू नेट PD इज इक्वल टू PD बाई 1 माइनस CDT होता है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मजा क्या है पता है, इसका पूरा कैलकुलेशन इज एग्जैक्टली सेम एज KD, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज KD, मतलब थॉट प्रोसेस ऑफ KP इज एग्जैक्टली सेम एज KD, थॉट प्रोसेस में वापस वही सोचना है, इज लाइफ गिवेन, तो जवाब हाँ है या फिर ना है, लाइफ नहीं है तो परपेचुअल है, ठीक है। लाइफ नहीं है तो ये डेट कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में
यहाँ पे लिखना भूल गए, प्रेफरेंस शेयर इज़ परपेचुअल, और अगर वो परपेचुअल है तो क्या सिचुएशन होगा, हर साल बस डिविडेंड देंगे, ठीक है, हर साल डिविडेंड देते चलेंगे और आपका रीपेमेंट नहीं होगा, फाइनल अमाउंट का रीपेमेंट नहीं होगा और आपका केपी विल बी इक्वल टू पीडी बाय आईपी, पीडी डिवाइडेड बाय आईपी। पहले क्या था, आई इंटू वन माइनस टी बाय आईपी, वन माइनस टी इसलिए था बिकॉज वहाँ पर टैक्स सेविंग्स था, और यहाँ पे क्या पीडी बाय आईपी, और पीडी माने नेट पीडी होता अगर सीडीटी दिया हो तो सीडीटी का सम्स नहीं रहता हाथ में, इसलिए मैं नेट नहीं लिखा हूँ, कहीं कहीं लिखा भी है यहाँ पर। फिर यदि वो लाइफ दिया है तो दो क्वेश्चन है, वापस कन्वेंशनल है कि नहीं है, कन्वेंशनल के लिए दो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि क्या प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट कांस्टेंट है थ्रू आउट, और दूसरा क्या बुलेट रिडेम्पशन हो रहा है, तो इस पीडी रेट कांस्टेंट और बुलेट रिडेम्पशन इज देयर, बोथ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन इट इज़ कन्वेंशनल, एंड इफ इट इज़ कन्वेंशनल देन दैट बिग फॉर्मूला इज देयर, दैट नेट पीडी याद आ रहा है, नेट प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरपी माइनस आईपी बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरपी प्लस आईपी बाई टू होल डिवाइडेड बाई आरपी प्लस आईपी बाई टू, ओके। एंड इफ इट इज़ नॉन कन्वेंशनल मेक इक्वेशन एंड सॉल्व बाई इंटरपोलेशन, सेम प्रोसेस इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में समझाया था कि पहले इशू प्रोसीड्स होगा, फिर आउटफ्लो ईच ईयर आपको देखना है, और फिर इस तरह से इक्वेशन बना के इंटरपोलेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो भाई हमारे गौतम शाह बोल रहे हैं कि सर सीडीटी तो हट गया ना, देखिए मैं अपडेटेड नहीं हूँ, एफएम में पूरा लॉ फॉलो नहीं होता या करंट में जो कंपनीज एक्ट में होता है वो फॉलो नहीं होता है, या टैक्स में जो फॉलो हो रहा है वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता है, एफएम में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे एफएम का बैलेंस शीट में एक बच्चा एक दिन पूछ रहा था रेशियो एनालिसिस में क्या शेड्यूल थ्री का फॉर्मेट फॉलो करना है, ऐसा नहीं है, एफएम एक सिंपल लैंग्वेज में चल रहा है, इम्प्लीकेशन मालूम होना चाहिए अगर हुआ तो, अब है कि नहीं है, देखिए मैं अपडेटेड भी नहीं हूँ, आप अपने टैक्स सर से पूछें सीडीटी है कि नहीं है, मैं भी एक बार आइडिया ले लूँगा आपने अगर ऐसा मैटर उठाया है तो, ओके। चलो आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स में आ जाओ, ये सबसे मेन है क्योंकि ये पूरा हटके है, केडी केपी में वन प्लस वन का बोनांजा है, केडी सीख लिया तो केपी में कभी एफर्ट नहीं लगता है, ओके। नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स में हम लोग आ रहे हैं, जिसको हम लोग बुला रहे के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर क्या है कि यहाँ पर इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन है, कोई एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए उनको अधिकार दे दिया कि आप हर मैटर में वोटिंग करने आइए, आप हमारे एसेट्स के रियल ओनर हैं, आपका इक्विटी डिविडेंड अगेन हम लोगों के लिए टैक्स बेनिफिट नहीं लाता है, रादर सीडीटी हम लोग को पे करना पड़ता है, और इक्विटी का एक खासियत क्या है ना कि इसका कभी भी रिडेम्पशन पीरियड नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज इरिडीमेबल और परपेचुअल, इसका कभी रिडेम्पशन नहीं होता, कंपनी कभी नहीं बोलेगा कि हमें रिडीम कर देंगे, डेट रिडीम होता है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम होता है, बट इक्विटी शेयर कभी भी रिडीमेबल नहीं होता, इट्स ऑलवेज इरिडीमेबल और परपेचुअल। नाउ नेक्स्ट मॉडल्स और अजम्पशंस इन कंप्यूटेशन ऑफ के ई, ये मॉडल और अजम्पशंस हम लोग क्यों बोलते हैं इसको ध्यान से सुनो। देखो डेट और प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट निकालना इजी होता है बिकॉज वहाँ पे एक्सप्रेस्ड ऑब्लिगेशन हुआ और वहाँ पर एक्सप्रेस्ड ऑब्लिगेशन में हमने लिख दिया कि हम आपको बदले में क्या क्या देंगे, ठीक है, वहाँ पे हमने लिख दिया कि हम आपको बदले में क्या क्या देंगे, समझ गए। इस रीज़न से डेट में और प्रेफरेंस शेयर में कॉस्ट निकालना इजी होता है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमने तो कुछ लिखा नहीं कि हम आपको बदले में क्या देंगे, ठीक है, तो दें कि नहीं दें, इसमें पॉइंट आता है कि दें कि नहीं दें, तो नियम बोलता है देना तो है, बोले नहीं है बट फिर भी देना है, इसीलिए तो इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन है, बोले नहीं है फिर भी देना है। जैसे बस में चढ़ जाते हो, आप पूछते हो हावड़ा जाएगा, वो बोलता है हाँ जाएगा, ठीक है, आप चढ़ के बैठ गए, अब अंदर आता है टिकट मांगता है, आप बोले कि टिकट क्या चीज़ का, तो टिकट तो लगता ही है बस में जो चढ़ता है, बोला पहले जब मैं पूछा हावड़ा जाएंगे तो उस समय तो आपने बोला नहीं कि टिकट लगेगा, अरे बोला नहीं तो क्या हुआ, इम्प्लाइड है ना, तो कुछ चीज़ें इम्प्लाइड होती हैं, वैसे ही इक्विटी शेयर से रुपया लिया, बोला नहीं कितना देंगे, टर्म्स में नहीं लिखा, तो इम्प्लाइड होती है कि कुछ तो देना ही है, तो पॉइंट आता है कि कितना देना है,
कैसे पता लगाएं? तो हम लोग बोलते हैं कि आपको जो देना है वो उनको जो चाहिए उसको समझ के दो। देखो, अपना मन से जो दोगे वो सामने वाले को नहीं अच्छा लगा तो, इसलिए उनको जितना चाहिए वो समझ के आप उनको दीजिए। उनको जितना चाहिए वो समझ के आप उनको दीजिए। उनको जितना चाहिए वो समझ के आप उनको दीजिए। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, जैसे डेट और प्रेफरेंस शेयर में, डेट और प्रेफरेंस शेयर में एक चीज़ हो रहा था, एक घटना घट रही थी। घटना क्या घट रही थी कि हम लोग बस अपने हिसाब से दे रहे थे, ओके। बट इक्विटी में तो हम कुछ देने का बात नहीं कर रहे, तो सामने वाले को जितना चाहिए उतना देना चाहिए, करेक्ट। सामने वाला को कितना चाहिए वो कैसे पता करे, उसी के लिए अजम्पशंस है, उसी के लिए मॉडल्स है, ओके। अच्छा, एक बात और बताते हैं, चाहे केडी हो, चाहे केपी हो या केई हो, कंपनी जब अपने लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा है उसको हम केडी, केपी, केई बोलते हैं। बट एज एन इन्वेस्टर, जैसे मैं आपको इन कंपनी हूँ, यदि मैं तो आप मेरे इन्वेस्टर हो, मान लो मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, जो मेरे लिए कॉस्ट है वो आपके लिए क्या है, रिटर्न है, आपके लिए इनकम है। तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे यील्ड, YIELD, यील्ड ऑन डेट, यील्ड ऑन प्रेफरेंस शेयर, यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। आपके लिए यील्ड है, मेरे लिए क्या है, कॉस्ट है। तो क्या इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितना आप, आपको मिलता है उतना ही क्या मैं देता हूँ? नियम के हिसाब से तो यही है, मैं अगर 10 दूंगा तो आपको 10 मिलेगा, नियम तो ये ना, जो मैं दूंगा वो आपको मिलेगा। मतलब मेरा जो कॉस्ट है वो आपका यील्ड होना चाहिए, हिसाब से कॉस्ट और यील्ड सेम ही होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, कॉस्ट और यील्ड रेट अलग हो जाता है, कॉस्ट रेट यील्ड रेट कभी कभी अलग हो जाता है। इसका कारण क्या है, कॉस्ट रेट यील्ड रेट अलग क्यों होता है? देखो, जब कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ ना तो मैं अपना नेट इनफ्लो को लेके कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो नेट इनफ्लो को लेके कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये क्या चक्कर है, ऐसे सोचना, मैंने जब कंपनी ने जब इशू प्राइस रखा था 100 रुपया, उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कंपनी का लग गया 10 रुपया। फ्लोटेशन कॉस्ट कंपनी का लग गया 10 रुपया, तो नेट इशू प्राइस क्या आया हमारे पास, नेट इशू प्राइस क्या आया हमारे पास, 90 आया, करेक्ट। और मान लीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड मैंने दिया 10 रुपीज, तो मेरे लिए केडी क्या हुआ, 10/90 हुआ। 10/90 मतलब कितना परसेंट आया, 11.11 आया। ये कंपनी के व्यू से, ठीक है, जिसने पैसे लिए। इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, उसने उस चीज़ को सब्सक्राइब किया कितना में, उसका खरीद दाम क्या था प्रेफरेंस शेयर का, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 100। हो सकता है उसका कुछ ब्रोकरेज लगाओ, जब वो उसको ख़रीदा तो उसका भी कोई एजेंट को कमीशन लगाओ, सोचो वो 5 रुपया लगा, तो उसका नेट परचेज प्राइस क्या हुआ, इन्वेस्टर का नेट परचेज प्राइस हो गया 105, और प्रेफरेंस डिविडेंड बदले में उसको क्या मिला, 10। तो उसका यील्ड क्या हुआ, ये वाई के पी होगा, ये वाई पी होगा, वो हुआ 10/105। तो ये हुआ 10/105 इज इक्वल टू 9.53। ठीक है, 9.53, ध्यान दे रहे हो? मतलब देखो, दोनों में 10 रुपया ही एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ना, बट मेरा नेट इशू प्राइस कंपनी के लिए अलग होता है और नेट परचेज प्राइस इन्वेस्टर के लिए अलग होता है। तो इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, 10 रुपया मिल रहा है अगेंस्ट 105, और कंपनी क्या सोच रहा है, 10 रुपया दे रहा हूँ अगेंस्ट 90। तो इसलिए केपी और वाईपी अलग हो जाता है, मतलब जो कंपनी दे रहा है और जो इन्वेस्टर को मिल रहा है उसमें डिफरेंस आ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में यील्ड भी निकालने बोलता है, तो जैसे आप केपी निकालते हो वैसे ही वाईपी, जैसे आप केडी निकालते हो वैसे ही वाईडी।
बस इन्वेस्टर्स एंगल सोचना शुरू करना पड़ता है। ठीक है, ओके। सो अब हम वापस आ रहे हैं एक बार कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स में। मैं आपको समझाने गया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और यील्ड टू इन्वेस्टर्स में क्या कनेक्शन है। नाउ इम्प्लाइड ऑब्लिगेशंस होने के कारण, फ्रेंड्स ध्यान दो, इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन होने के कारण हम लोगों को पता नहीं कि हमें अपने इन्वेस्टर को क्या देना है। हम लोग तो दिखे नहीं है क्या देना है, बट देना तो है, बोले नहीं है तो क्या हुआ, इम्प्लाइड है। ठीक है, सो सिंस ये इम्प्लाइड है, सिंस ये ऑलरेडी हम लोगों के यहाँ पर इम्प्लाइड है मैटर, इसलिए हम लोगों को कंप्यूटेशन ऑफ केई करने के लिए सोचना पड़ेगा कि इन्वेस्टर का हम लोगों से उम्मीद क्या है। वो उम्मीद जानने के लिए अलग अलग स्कॉलर आए, वो लोग अलग अलग तरीका से सोचे। शायद आपका इन्वेस्टर ये सोच रहा होगा, तो जो एक एक स्कॉलर ने सोच हमें दिखाई वो एक एक मॉडल का नाम ले लिया, और इस तरह से कई सारे मॉडल बने जिसमें से चार मेन मॉडल है जो आपके एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछता है। एक है कॉन्स्टेंट डिविडेंड मॉडल, दूसरा है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल, तीसरा अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल, और चौथा है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और एक होता है रियलाइज्ड यील्ड मॉडल भी होता है, रियलाइज्ड यील्ड मॉडल जो मैं नहीं पढ़ा रहा बट इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ होता है, उससे कभी 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 कुछ आया नहीं आज तक इसलिए नहीं पढ़ा रहा। नाउ वी आर कमिंग टू मॉडल्स डिस्कशन, सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट कॉन्स्टेंट डिविडेंड मॉडल। कॉन्स्टेंट डिविडेंड मॉडल क्या कहता है फ्रेंड्स, कि आपका यहाँ पर अजम्पशन ये मान लो कि इक्विटी शेयर होल्डर अज्यूम कर रहा है कि आप उसको हर साल एक कॉन्स्टेंट डिविडेंड अमाउंट दोगे। नाम ही है कॉन्स्टेंट डिविडेंड मॉडल। इक्विटी शेयर होल्डर अज्यूम कर रहा है कि आप हर साल उनको एक कॉन्स्टेंट डिविडेंड दोगे, भले ही आपने बोला नहीं तो क्या हुआ, वो मान के चल रहा है, यही सोच से वो आपका शेयर्स खरीदा है। तो अगर उसने उम्मीद किया है तो आपको पूरा करना जरूरी है, उम्मीद किया है तो पूरा करना जरूरी है। क्या है? कॉन्स्टेंट डिविडेंड मॉडल। अब कब तक देना है कॉन्स्टेंट डिविडेंड? जब तक है जान, बिकॉज इक्विटी शेयर में तो रिडेम्पशन का कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे हर चीज़ परपेचुइटी से ही कनेक्टेड है। तो परपेचुइटी का फंडा क्या था याद है ना, जैसे KD में I इंटू वन माइनस टी बाई आई पी, KP में क्या था PD बाई आई पी, अब ऐसे ही KE में क्या आ जाएगा, PD की जगह डिविडेंड आ गया, इक्विटी डिविडेंड बाई आई पी, तो D बाई आई पी। ठीक है, KE इज इक्वल टू क्या हो गया, D बाई आई पी। परपेचुइटी यहाँ पे इम्प्लाइड है, यहाँ पे लाइफ दिया ही नहीं हो सकता, खाली एक रियलाइज्ड यील्ड मैंने बोला था ना ऊपर में, जिसको मैं नहीं डिस्कस करता। रियलाइज्ड यील्ड में यील्ड आ रहा है, वो कॉस्ट नहीं है, बट वो यील्ड में लाइफ रहता है कि इन्वेस्टर के मन में सोच रहा है कि वो कितना साल बाद बेच देगा, तो उसके हिसाब से रियलाइज यील्ड निकलता है। बट अभी छोड़ो, अब रियलाइज यील्ड में मत जाओ, अभी आप इसमें ध्यान दो। कॉन्स्टेंट डिविडेंड मॉडल बहुत ही ईजी, डिविडेंड अमाउंट हर साल सेम रहेगा और फॉर्मूला है D/IP। फिर आ रहा है गॉर्डन्स मॉडल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके ही सम सबसे ज़्यादा आते हैं आपके एग्ज़ाम में। गॉर्डन्स मॉडल में अजम्पशन है कि हमारा इन्वेस्टर उम्मीद कर रहा है कि हम उनको हर साल डिविडेंड देंगे, और आने वाला अगला साल का जो डिविडेंड होगा वो पिछला साल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब जो ज़्यादा होगा उसको अपने बोलते हैं ग्रोथ होगा, देयर विल बी ग्रोथ इन डिविडेंड एंड दैट ग्रोथ रेट विल बी कॉन्स्टेंट। मतलब डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर ओके विल बी से 10 रुपीज़, तो डिविडेंड ऑफ सेकेंड ईयर हैज़ टू बी ग्रेटर देन 10 रुपीज़। डिविडेंड ऑफ फर्स्ट ईयर इफ इट इज़ 10 रुपीज़, डिविडेंड फॉर सेकेंड ईयर विल बी ग्रेटर देन 10 रुपीज़। नाउ हाउ मच इट विल बी ग्रेटर, दिस डिफरेंस इन टू डिविडेंड इज कॉल्ड एज ग्रोथ। ओके, दिस ग्रोथ रेट विल बी कॉन्स्टेंट ईच ईयर, से ग्रोथ रेट इज 5% ईच ईयर, सो दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर डिविडेंड विल बी 10+5% ऑफ 10, ओके सो इट इज 10.5, सो उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा उस पे 5%, उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा उस पे 5% एंड सो ऑन, हर साल 5-5% वो बढ़ता चला जाएगा, एवरी ईयर 5-5% उसको बढ़ाते चले जाओ, दैट इज ओनली कॉल्ड एज गॉर्डन्स मॉडल। ओके, गॉर्डन्स मॉडल में क्या हो रहा है, द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट अ कॉन्स्टेंट ग्रोथ इन द डिविडेंड अमाउंट ईच ईयर अप टू एन इनफाइनाइट पीरियड। क्या देना है इनको, कॉन्स्टेंट ग्रोथ इन द डिविडेंड अमाउंट
इन ईच ईयर अप टू एन इनफाइनाइट पीरियड. इनफाइनाइट पीरियड इज इम्प्लाइड बिकॉज ये परपेचुटी होता है. इक्विटी शेयर को हम लोग रिडीम करने का कोई प्रॉमिस नहीं करते हैं. सो इसका एक डेरिवेशन होता है जिससे फॉर्मूला आता है के इज इक्वल टू डी वन बाई पी जीरो प्लस जी. डी वन का मतलब क्या होता है कि जो आप आने वाले साल में डिविडेंड देने वाले हो. पी जीरो का मतलब क्या होता है, जो आज का शेयर प्राइस है. पी जीरो में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो नेट इशू प्राइस लेना पड़ेगा. जी मतलब होता है कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट, जो आपका हर साल सेम रहने वाला है. ठीक है, इसमें बहुत सारा ट्विस्ट होता है कैलकुलेशन में, गॉर्डन्स मॉडल में, इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात कर रहे हैं. और कि ये जो जी है ना, जी कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट, उसको निकालने का तीन तरीका है. कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट कभी क्वेश्चन में दिया हो तो बहुत ही आसान हो गया आपका काम, और अगर ग्रोथ रेट ना दिया हो तो हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पर बात करें. तो पहला तरीका है जी इज़ इक्वल टू बी इंटू आर. बी इंटू आर मतलब होता है रिटेन, बी मतलब रिटेंशन रेशियो, आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. देखो ग्रोथ कब आएगा, जब आप अपना रुपया को अपने बिजनेस में जब कमाएं, बिजनेस में जब रुपया को अर्न किया था उसको अर्निंग्स बोला, अर्निंग्स का आप डिविडेंड बना के दे देंगे बार बार, तो शेयर होल्डर आज तो खुश है उसको बदले में डिविडेंड मिल गया. बट वही अर्निंग्स यदि आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दोगे, रिटेन करोगे, बिजनेस और एक्सपैंड होगा, तो और ज़्यादा रिटर्न आप शेयर होल्डर को भविष्य में दे पाओगे. तो ग्रोथ आने का कारण होता है रिटेंशन. ग्रोथ लिंक किया जाता है रिटेंशन से. द मोर यू रिटेन द मोर यू ग्रो. सो व्हाट इज़ बी, बी इज़ रिटेंशन रेशियो. व्हाट इज़ रिटेंशन रेशियो, से अर्निंग्स इज 10 एंड आउट ऑफ दैट डिविडेंड गिवन इज ओनली 2, सो पे आउट इज 20% एंड रिटेंशन इज 80%. अर्निंग इज 10, ठीक है, इफ EPS इज 10 रुपीज़, DPS इज 2 रुपीज़, सो इससे निकल के आता है पे आउट रेशियो. पे आउट रेशियो विल बी 2/10, दैट इज 20%, और इसी से निकल के आता है रिटेंशन रेशियो विच विल बी इक्वल टू 80%. रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 80% होगा. पे आउट इज इक्वल टू 20% एंड देन रिटेंशन इज इक्वल टू 80%. गॉट इट? सो दिस इज हाउ इट इज डन, पे आउट एंड रिटेंशन. ओके, सो नेक्स्ट इज आर इज, पहले ये हो गया बी. बी मतलब रिटेंशन रेशियो विच इज से इन आवर केस 80%. नाउ व्हाट इज आर, ओके, व्हाट इज आर, व्हाट इज आर, आर इज, आर इज योर, आपका बिजनेस का ROI, जितना आप रख लिए और फिर उस पर कमाना पड़ेगा ना. खाली रखने से तो ग्रोथ नहीं आएगा. ग्रोथ तब आएगा जब उस रुपया को रख के उससे कमाया. तो व्हाट इज़ आर, आर इज़ योर बिजनेस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. याद रहेगा ये सब एक्चुअली कैपिटल में लिखा गया है, बट ये शॉर्ट में लिखा हुआ होना चाहिए, जी बी और आर. ओके, तो आर इज़ योर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. हमारे एक दोस्त निश्चल कुमार ने बहुत अच्छा हिंदी में एक टैग लाइन बोल दिया कि बी मतलब, जैसे जी इज इक्वल टू, ऐसे याद रखो, जी इज इक्वल टू जितना रखा, जितना रखा इंटू जितना कमाया, जितना रखा इंटू जितना कमाया. वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोला आपने, जितना रखा इंटू जितना कमाया. रख के कमाओगे तो ग्रोथ आएगा, रख के रखोगे खाली कमाओगे नहीं तो ग्रोथ नहीं आएगा. ठीक है, रिटेंशन रेशियो कैसे आया, इट इज़ मैंने बताया ना, पे आउट निकाल कर फिर रिटेंशन निकाला. तो रिटेंशन कैसे निकाला, 1 माइनस पे आउट रेशियो. कभी कभी क्वेश्चन में पे आउट दिया हुआ होता है या डायरेक्ट रिटेंशन भी दिया हुआ होता है. ठीक है, अर्निंग्स से कनेक्ट करना पड़ता है, अर्निंग्स और डिविडेंड से, तो आपका रिटेंशन रेशियो आ जाएगा. सो नेक्स्ट जी निकालने का दूसरा तरीका होता है, जी निकालने का दूसरा तरीका होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. अब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, जैसे आपका दो डिविडेंड दिया हुआ है, मान लो D7 दिया हुआ है 15 रुपीस और D1 दिया हुआ है 10 रुपीस. D7 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और D1 दिया हुआ है. क्वेश्चन में कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स दिए हुए होते हैं, पास्ट में डी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ऐसा करके आपको 6-7 साल या 10 साल का आपको डिविडेंड का रिकॉर्ड दिया हुआ है कि पास्ट में देखो डिविडेंड कंपनी कैसा देता आया है, पास्ट ईयर्स का डिविडेंड दिया हुआ है. तो पास्ट ईयर में
जो फर्स्ट ईयर है और जो लास्ट ईयर है उसको पकड़ा। सोचो पहला ईयर है 10 रुपीज़ दिखा रहा है और लास्ट ईयर है वो 7th ईयर है उसमें 15 रुपीज़ दिखा रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट को लेकर आपने एक फॉर्मूला बनाया फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू लेकर कि 15 इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इज़ 15 प्रेजेंट वैल्यू इज़ 10 इंटू 1 + g ग्रोथ रेट के पावर में कितना साल में आए ये 1 से 7। तो D1 दिया हुआ है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना साल हुआ ये 5 साल हुआ 6 साल हुआ कि 7 साल हुआ। D1 से D7 का गैप में दिखने में लग रहा है 7 साल हो गया बट एक्चुअली 6 साल है ना। D0 से D7 7 साल होता है, D1 से D7 6 साल हुआ। कैसे गिना इसलिए मैंने D2 D3 D4 देखो ना D1 से D2 1 साल, D2 से D3, D3 से D4, D5, D6 और D7 छः साल हुए यहाँ पे। 7 लगता है दिखने में बट 6 साल हुए। तो क्लास में भी जब सम करते हैं तो कभी कभी इसमें मिस्टेक सा हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कभी ऐसा पुराने बैच में हुआ हुआ है, क्लास में भी बाद में स्टूडेंट्स ने बताया तो मैंने ठीक करवाया कि सर हमने तो ये गड़बड़ कर दिया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जी का वैल्यू आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कोई बता सकता है क्या? 15/10, 15/10 के पावर में 1/6। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डर्टी पावर से सॉल्व करना पड़ेगा 1/6 को। डर्टी पावर से 1/6 को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेप्स याद है? स्टेप्स क्या है इसके, किसी को याद है? हाँ जी, डर्टी पावर से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 15/10 टाइप करिए, देखिए मैं करता हूँ आपके साथ। सॉल्व करिए, √12। फिफ्टीन बाई टेन हो गया 1.5, 12/√ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर करना है -1, -1 इक्वल टू, फिर करना है मल्टीप्लाई बाई पावर, तो into 1/6 इक्वल टू, फिर करना है +1 इक्वल टू, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ग्यारह है कि 12? तो 1.0699 आया था, ये आंसर है। नहीं, शक लेगा थोड़ा, हम ही हड़बड़ा गए, ये कैलकुलेटर भी शक लेगा, ऐसा बात नहीं है, हो ही गया था 1.0699। -1 करना होगा, 1 + g इज इक्वल टू, यह है तो -1 करके 7% आ रहा है। ठीक है, गुड, आप लोग को स्टेप्स याद है, बहुत अच्छी बात है। तो ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट से आप जी का वैल्यू निकाल सकते हो। और एक मेथड 3 होता है जिसमें क्या है, फिर आपको क्वेश्चन में ना हर साल का डिविडेंड दिया हुआ है, पास्ट पास्ट ईयर्स का। पास्ट में ईयर 1 का डिविडेंड है 10, सोचो ईयर 1 में डिविडेंड है 10, फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 13.5, ऐसे करके आपको बहुत साल का डिविडेंड दिया हुआ है, मान लीजिए 15, और फिर बोल रहा है ग्रोथ निकालो। तो ग्रोथ तो कर रहा है बट ग्रोथ रेट नहीं दिया है, तो ग्रोथ निकालने का तरीका क्या होगा? फिर हर एक साल का ग्रोथ निकालोगे, ऐसे हर एक साल का ग्रोथ निकालोगे तो यहाँ पे 4 बार ग्रोथ आएगा, चारों का सिंपल एवरेज ले लोगे। चलो यहाँ पे बताओ क्या क्या आ रहा है ग्रोथ। 10 से 11 का ग्रोथ रेट क्या है?
टेन से इलेवन का 10% है, फिर नेक्स्ट वाले का ग्रोथ रेट क्या होगा, इलेवन से ट्वेल्व का ग्रोथ रेट, 12 माइनस 11 बाई 11 तो 9.09%, फिर 13.5 से 12 का 13.5 माइनस 12 बाई 12 12.5%, ठीक है। फिर 15 से 13.5 का 11.11, फिफ्टीन माइनस 13.5 बाई 13.5 इज 11.11। अब इन चारों का एवरेज कर दो, 10, 9.09, 12.5, 11.11, डिवाइडेड बाय 4, सो एवरेज आ रहा है 10.68। एवरेज आ रहा है 10.68, ठीक है। 6.75 और 6.8 इज सेम, सो ये है एवरेज ऑफ पास्ट ग्रोथ रेट। तो तीन तरीका से ग्रोथ निकलता है, एक बी इन टू आर, दूसरा है सी ए जी आर और तीसरा एवरेज। ओके, अब सिंस ग्रोथ रेट हर साल कांस्टेंट होता है, ओके, इसलिए इस फॉर्मूला में एक चेंजेस लाया जा सकता है कि डी वन बाई पी जीरो नहीं करके हम चाहें तो कोई भी दो साल को लेके भी फॉर्मूला बना सकते हैं। सिंस ग्रोथ रेट इज कॉन्स्टेंट, हम लोग देखो कोई भी दो साल को लेके फॉर्मूला बना लेते हैं। डी थ्री बाई पी टू प्लस जी भी कर सकते हैं, मतलब इसको मैं ऐसे बोलता हूँ जनरली कि के ई इज इक्वल टू, यू कैन से बस नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड और इस ईयर का प्राइस एन माइनस वन प्लस जी, याद रखना, ठीक है। जिस साल का डिविडेंड लोगे उसके पहले साल का प्राइस, क्योंकि आज शेयर खरीदेंगे तो अगला साल से डिविडेंड मिलेगा, और आप कोई भी दो साल को लेके कर सकते हो। ऊपर में 32 है तो नीचे 31, ऊपर में 8 है तो नीचे 7, ऊपर में 6 है तो नीचे 5, ऊपर में 1 है तो नीचे 0। ओके, सो ये भी एक डेरिवेशन होता है फ्रेंड्स, बट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर नॉट शोइंग यू दिस ऑल डेरिवेशंस, बट अदरवाइज दिस इज ऑल्सो डेरिवेशन पॉसिबल। इसको मैं क्लास में बस ऐसे भी समझाता हूँ कि अल्टीमेटली इन्फिनिटी तक जाना है, आप ईयर ज़ीरो में खड़े हो, यहाँ से इन्फिनिटी का डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी है। अगर मैं वन पे आके खड़ा हो जाऊँ ईयर वन पे, ठीक है, तो आज यहाँ पर अगर प्राइस ले रहा हूँ तो डिविडेंड कब से चालू होगा, डी टू से, तो जाना तो इन्फिनिटी तक ही है, तो टू से इन्फिनिटी का भी डिस्टेंस तो इन्फिनिटी बोला जाएगा। तो डी टू पे जब डिविडेंड कैलकुलेशन शुरू हो रहा है तो यहाँ पे पी वन पे आओगे, तो डी टू से पी वन कोई भी दो साल में कैलकुलेशन किया जा सकता है। अगर ग्रोथ रेट सेम है तो आपका के ई भी सेम ही आएगा। यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आप जब ज़ीरो पे खड़े हो तो ज़ीरो का प्राइस और डी वन से इन्फिनिटी, फिर से समझा रहा हूँ, अगर ज़ीरो पे खड़े हो, ज़ीरो पे खड़े हो आप, यहाँ पे जहाँ खड़े हो वहाँ पे पी ज़ीरो ले लो, और D1 अगला साल से डिविडेंड देगा, आज शेयर खरीदोगे तो अगला साल से डिविडेंड आएगा, तो D1 से इन्फिनिटी का सफ़र इन्फिनिटी टाइम्स है, इनफाइनाइट टाइम्स है। ओके, और अगर ग्रोथ रेट सेम है तो D1 वन बाई पी जीरो प्लस जी से आंसर आएगा। अब आप बोलो हम यहाँ नहीं खड़े होंगे, हम तो ईयर वन में आके खड़े हो जाएंगे, तो जहाँ खड़े होते हो वहाँ का प्राइस ले लो, तो डिविडेंड मिलेगा आपको अगला साल से, जब खरीदोगे शेयर उसके अगला साल से डिविडेंड आपका। सो टू से इन्फिनिटी का सफ़र भी इन्फाइनाइट ही होता है, इसलिए डी टू बाई पी वन प्लस जी से भी वही आंसर आएगा। अगर ग्रोथ रेट सेम है तो कोई भी दो साल से के ई आ सकता है, यही समझाना चाह रहे हैं कि डी थ्री पी टू से कर लो, या बस याद रखो कि ऊपर में जो साल का डिविडेंड ले रहे हो उससे एक साल नीचे वाला को आप प्राइस में ले लेना बस। सो इससे आपका गॉर्डन्स मॉडल ख़त्म हुआ। नेक्स्ट आ रहा है थर्ड मॉडल, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल।
अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल क्या चीज़ है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि शेयर होल्डर को हम जितना कमाया सब दे देते हैं, यानी कि 100% पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो कितना है? 100%, देर इज़ नो रिटेंशन। 100% पे आउट का मतलब है अर्निंग्स, EPS इज इक्वल टू DPS, अर्निंग्स इज इक्वल टू DPS। दैट मीन्स शेयर होल्डर के पास पूरा अर्निंग्स चला जाएगा। तो जैसे कॉन्स्टेंट डिविडेंड में क्या होता था, खाली एक डिविडेंड जाता था, बट यहाँ पर क्या होता है, पूरा अर्निंग्स चला जाता है और परपेचुटी तक ये चलता रहेगा। तो KE इज इक्वल टू क्या बन गया, EPS बाई IP। IP मतलब बेसिकली बोल सकते हैं आप करेंट इशू प्राइस, या फिर बोल दीजिए अगर कोई मान लेते हैं, अगर अज्यूम करो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह नहीं है तो इट विल बी इक्वल टू MPS। अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो IP विल बी इक्वल टू MPS, यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। सो यू कैन ऑल्सो से इट लाइक दिस, KE इज इक्वल टू EPS बाई MPS का मतलब क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1/P रेशियो। P रेशियो क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो इज वॉट, MPS बाई EPS। जैसे P रेशियो क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं ना, MPS बाई EPS। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा ना, सो MPS बाई EPS को क्या लिखेंगे, 1/P रेशियो। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसीलिए K इज इक्वल टू 1/P रेशियो और P रेशियो इज इक्वल टू MPS बाई EPS और K इज इक्वल टू, और एक तरीका याद रखने का, EPS बाई MPS और EPS बाई IP। कॉन्स्टेंट डिविडेंड में क्या था, इट वॉज डी बाई IP, और इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है EPS बाई MPS, इधर क्या हो रहा है, EPS बाई MPS। डर्टी पावर का कैलकुलेशन करते वक्त एग्ज़ाम में डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे और तो कुछ नहीं लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डर्टी पावर में पूरा स्टेप्स थोड़ी लिखना एग्ज़ाम में। सो ये मॉडल हम लोग कब यूज़ करते हैं सम्स में, जब क्वेश्चन चला के बोलेगा तब, ध्यान रखना, यूज़ दिस मॉडल ओनली इफ़ इट इज़ आस्क्ड इन क्वेश्चन। यूज़ दिस मॉडल ओनली व्हेन आस्क्ड, अपना मन से कभी भी इस मॉडल को यूज़ नहीं करोगे। अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल अपना मन से हम कभी यूज़ नहीं करना चाहते हैं। और लास्ट आ रहा है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या चीज़ है, CAPM में अजम्पशंस है कि कंपनी मस्ट पे द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अभी तक क्या सोच रहे थे कि इक्विटी शेयर होल्डर हमसे डिविडेंड चाह रहा है कि हमसे ग्रोथ चाह रहा है, यही सोच रहे थे कि पूरा अर्निंग्स चाह रहा है, बट अब CAPM में आके ये सोच रहे हैं कि वो हमसे क्या रेट ऑफ रिटर्न चाह रहा है, हमारा शेयर होल्डर हमसे कितना रेट ऑफ रिटर्न उम्मीद कर रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न वो उम्मीद कैसे करता है, शेयर होल्डर कैसे सोचता है कि उसको कितना रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, उसके ऊपर CAPM मॉडल लिखा गया, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल लिखा गया इस तरीके का सोच से कि शेयर होल्डर अपने घर में बैठ के कैसे सोच रहा होगा कि उसको कितना रिटर्न, उसको कितना परसेंट रिटर्न चाहिए, वो कैसे सोचता होगा। तो हर शेयर होल्डर ये सोचता है कि हम अगर कंपनी में नहीं गए तो गवर्नमेंट में सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, जैसे ही किसी कंपनी के पास जाएंगे वो प्राइवेट होगा तो उसमें रिस्क लेना पड़ेगा, तो रिस्क लेगा तो वो सोचता है मेरे को रिस्क का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मतलब हर शेयर होल्डर को दो तरह का रिटर्न चाहिए, एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चाहिए प्लस रिस्क प्रीमियम चाहिए। रिस्क प्रीमियम मतलब जितना वो रिस्क लेगा आपकी कंपनी में उसका रिवॉर्ड उसको चाहिए। तो यहाँ पर CAPM में रिस्क को मेज़र किया गया है बाई अ यूनिक कैलकुलेशन कॉल्ड एज बीटा। हर कंपनी का एक रिस्क मेज़र किया जाएगा, उस रिस्क का नाम है, रिस्क मेज़रमेंट का नाम है बीटा। तो जिस कंपनी में जितना ज़्यादा बीटा होगा उतना ज़्यादा शेयर होल्डर को रिस्क प्रीमियम चाहिए। अ शेयर होल्डर नीड्स टू रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न एंड रिस्क प्रीमियम। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या बोलता है, शेयर होल्डर को क्या देना है, RF देना है और रिस्क प्रीमियम देना है, इसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। ठीक है, रिस्क फ्री रिटर्न देना है और रिस्क प्रीमियम देना है। अब रिस्क प्रीमियम कैसे निकल रहा है, रिस्क प्रीमियम निकल रहा है कि इसका एक फंडा है CAPM में कि मार्केट का रिस्क यानी मार्केट बीटा हमेशा वन होता है, मतलब मार्केट का वैल्यू of risk is always one, okay? Market beta is always one, ठीक है? और government beta कितना होता है, government beta हमेशा zero होता है, beta माने risk, government का securities में कोई beta नहीं होता। government
उसके यहाँ पर अगर बीटा जीरो है तो उसके यहाँ पे जो रिटर्न आता है उसको हम लोग बुलाते हैं आरएफ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और मार्केट के यहाँ पे जो रिटर्न आता है उसको हम लोग बुलाते हैं आरएम, मार्केट के यहाँ पे जो रिटर्न आता है उसको हम लोग बुलाते हैं आरएम। सो यहाँ पर जो डिफरेंस है, यहाँ पर जो डिफरेंस है उसको हम लोग बुलाते हैं आरएम माइनस आरएफ। आरएम माइनस आरएफ इज़ द एक्स्ट्रा रिटर्न। क्या है ये? एक्स्ट्रा रिटर्न। आरएम माइनस आरएफ इज़ द एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर हाउ मच मेनी यूनिट ऑफ रिस्क, फॉर वन यूनिट ऑफ रिस्क। हाउ मेनी यूनिट ऑफ रिस्क? दिस इज़ फॉर वन यूनिट ऑफ रिस्क, एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर वन यूनिट ऑफ रिस्क। अब मेरा कंपनी है जिसमें कंपनी ए जिसका बीटा 1.5 है, तो हाउ मच वुड बी द एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा फॉर वन इज आर एम माइनस आर एफ। अगर एक का आर एम माइनस आर एफ है तो कंपनी ए का बीटा अगर 1.5 है तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए इंटू 1.5? तो बस इसी को फॉर्मूला में बना दिया कि रिस्क प्रीमियम क्या होगा, आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। बीटा मतलब बीटा किसका? जिस कंपनी का आप रिटर्न निकाल रहे हो, जिस कंपनी का शेयर का कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आर एम माइनस आर एफ इंटू 1.5 कर दिया। अब कंपनी बी है उसका बीटा अगर मान लीजिए 1.2 है तो उसमें एक्स्ट्रा कितना चाहिएगा हमें? आर एम माइनस आर एफ इंटू 1.2, यानी जितना बीटा है उतना। अगर एक के लिए इतना है तो 1.2 के लिए कितना होगा? सो आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। सो आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, दैट इज़ हाउ यू हैव टू सी। ओके, तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न बाई इक्विटी शेयर होल्डर, एंड इफ दैट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट हैज़ टू बी योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मतलब यहाँ पर के ई और वाई ई को सेम कर दिया गया, बाकी हर जगह के ई वाई ई अलग हो सकता है, बट यहाँ पर के ई और वाई ई को सेम कर दिया गया है। इसमें आर एफ मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, विच इज़ द रिटर्न दैट एनी वन कैन अर्न फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आर एम इज़ द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, आर एफ इज़ द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, एंड बीटा इज़ द रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी। ओके, रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी। फाइनल में आते हो तो ये सब के ऊपर भी बहुत लंबा डिस्कशन होता है कि ये बीटा वीटा हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, सो ये चार मॉडल से इक्विटी शेयर का वर्किंग हुआ। एक है कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, दूसरा है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या गॉर्डन्स मॉडल, तीसरा है अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल, और चौथा है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, कांस्टेंट डिविडेंड, गॉर्डन, अर्निंग कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। नाउ इसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। इसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ही वैल्यूएशन का पार्ट सिखाता हूँ। ओके, वैल्यूएशन में क्या होता है, वैल्यूएशन में क्या होता है, एक चीज़ समझ लेना। ये अलग चैप्टर, कई सारे टीचर लोग अलग से चैप्टर बना के पढ़ाते हैं। वैल्यूएशन में क्या होता है कि हम अपने डेट का, क्या क्या चीज़ का ध्यान देना, डेट का या प्रेफरेंस शेयर्स का, डेट माने डिवेंचर्स, जिस जो सिक्योरिटी बना के इशू किया जाता है, डिवेंचर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का और इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, डिवेंचर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का और इक्विटी शेयर्स का, तीन चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिवेंचर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का और इक्विटी शेयर्स का। हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं, वैल्यूएशन का मतलब होता है थ्योरिटिकल प्राइस निकाल रहे। थ्योरिटिकल प्राइस का मतलब होता है इंट्रिंसिक प्राइस। इंट्रिंसिक प्राइस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब मार्केट में अभी जो भी चल रहा हो, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब मार्केट में भी जो भी प्राइस चल रहा हो बट लॉन्ग टर्म में यही प्राइस होगा, इसको लॉन्ग टर्म प्राइस ऑफ सिक्योरिटी बुलाते हैं। आज नहीं तो कल ये प्राइस सिक्योरिटी का होना ही होना है। ठीक है, सो मार्केट में इतने सारे इम्परफेक्शंस होते हैं। इम्परफेक्शन यानी कभी ये पेंडेमिक चल रहा है, कभी मान लीजिए कोई चीज़ में गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी का इम्पैक्ट है, कभी कोई कंपनी में कोई डायरेक्टर मर गया उसका इम्पैक्ट है, उसका इतना इम्परफेक्शंस होता है ना मार्केट में कि आप आज प्राइस जो देखते हो वो रियल प्राइस नहीं भी हो सकता है। तो रियल प्राइस इज़ द इंट्रिंसिक प्राइस और लॉन्ग टर्म प्राइस और इक्विलिब्रियम प्राइस और थ्योरेटिकल प्राइस। अब ये जो प्राइस है, ये प्राइस को हम लोग निकालेंगे कैसे?
इसको निकालने का तरीका वही है जो इक्वेशन मैंने इंटरपोलेशन वाला आपको समझाया था कि इंट्रिंसिक प्राइस आईपी या थियोरिटिकल प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ इट्स केडी केपी और केई। ध्यान रहेगा, अब कोई भी चीज़ का प्राइस क्या है, आप आज मैं सोचो इस कैलकुलेटर का हम लोग 300 रुपया क्यों देने रेडी हो जाते हैं, आज इसका प्राइस 300 क्यों है, क्यों, क्योंकि भविष्य में हम इससे कुछ बेनिफिट्स मिल लेंगे, ठीक है, वो बेनिफिट्स का वैल्यू आज के दिन हमको लगता है 300 रुपया तक ठीक है, करेक्ट। जैसे आप मुझे अपने यहाँ पर FM पढ़ने का कोर्स फीस दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 रुपीज़ या 10000 रुपीज़ कोर्स फीस दिए, तो 10000 आज आपने क्यों दिया, क्योंकि भविष्य में मैं आपको इतने सारे क्लासेस उसके दूंगा जिसका वैल्यू आपको लगता है कि हाँ 10000 ठीक है। तो व्हाट इज़ प्राइस, प्राइस इज़ ऑलवेज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज और फ्यूचर बेनिफिट्स, फ्यूचर बेनिफिट्स का आज के दर पे वैल्यू ये लगता है तो दे देते हैं। तो किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस कैसे सोचोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट। जैसे आप एज एन इन्वेस्टर क्या सोचोगे, अगर आप मेरी कंपनी का डिवेंचर खरीदोगे तो आप ये देखोगे ना बदले में क्या मिलेगा मेरे को, जो बदले में जो मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू इज ओनली द प्राइस, दैट इज सपोज टू बी द इंट्रिंसिक प्राइस, ठीक है। अब होता क्या है ना, कभी कभी अब मेरा सेलिंग टेक्निक इतना अच्छा है कि मैं दूंगा तो थोड़ा सा ही, बट आज आपको स्कैरसिटी क्रिएट करके ऐसा मतलब आपको कंफ्यूज कर दिया कि लो अभी का अभी ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा बात इतना इम्परफेक्शन तरीका से कुछ करके दे दिया कि आपको अभी मार्केट में जो दिखाया जा रहा है वो जो बेनिफिट मिलेगा उससे ज़्यादा दिखता है। और कभी कभी मेरे को नहीं आता उतना सेल करना, तो जो बेनिफिट मैं देता हूँ उसके मुकाबले वो कम प्राइस दिखता है, तो रियल में एक्चुअल प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। सोचो किसी भी चीज़ का इंट्रिंसिक प्राइस यदि कैलकुलेट करके 105 रुपीज़ आया, फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रिंसिक प्राइस का कैलकुलेशन करके 105 रुपीज़ आया और मार्केट में एक्चुअल प्राइस उस सिक्योरिटी का अभी चल रहा है सोचिए 90 रुपीज़, आपको पता चला कि जो सिक्योरिटी है इससे जो बेनिफिट्स है उसका वैल्यू 105 रुपीज़ है और वो सिक्योरिटी मार्केट में मिल रहा है सिर्फ 90 रुपीज़ में, मेरे को नहीं मैं कंपनी हूँ जिसका सिक्योरिटी आप खरीद रहे हो, मेरे को उतना सेल करना नहीं आया, टेक्टिक्स नहीं आया, बाकी लोग कैसे क्या बोल के चल गए कि मेरा सिक्योरिटी का प्राइस 90 हो गया जबकि मैं जो बेनिफिट दे रहा हूँ उसका वैल्यू 105। तो आप बोलिए इसको आप खरीदोगे क्या, विल यू बाय दिस सिक्योरिटी और नॉट, क्या आप ये सिक्योरिटी खरीदने रेडी हो, विल यू बाय दिस सिक्योरिटी विथ मी और नॉट। इसको हम लोग अंडर प्राइज्ड बोले कि ओवर प्राइज्ड बोले, व्हाट शुड वी से, दिस सिक्योरिटी इज अंडर प्राइज्ड और ओवर प्राइज्ड, ये सिक्योरिटी अंडर प्राइज्ड है कि ओवर प्राइज्ड है, सो ये सिक्योरिटी अंडर प्राइज्ड है, ठीक है। अंडर प्राइज सिक्योरिटी को हमेशा हम लोग बाय कर लेते हैं, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बाय, अंडर प्राइस चीज को हमेशा बाय करना चाहिए, बाय भी बोलते हैं, लॉन्ग पोजीशन भी बोलते हैं, शेयर मार्केट में सिक्योरिटी खरीदना को बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ले लेना, अंडर प्राइस चीज़ों को बाय करते हैं, ओवर प्राइस चीज़ों को सेल कर देते हैं, सेल करना को शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का बेनिफिट ज़्यादा है और वैल्यू कम दिखा रहा है तो ले ही लेना चाहिए। बेनिफिट मान लीजिए दिखा रहा है 105 और वैल्यू दिखा रहा है 120, तो क्यों लेंगे हम भाई 105 वाला चीज़ को 120 में क्यों लेंगे, कई लोग बेच देते हैं फिर भी बेवकूफ़ियाँ कर लेते हैं, 105 वाला चीज़ को 120 में हम खरीद ही लाते हैं, वो ऐसा उसका मार्केटिंग हो जाता है, ऐसा उसका गिमिक हो जाता है ना कि हम लोग वो बेवकूफ़ी भी कर बैठते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इसीलिए पढ़ते हैं कि कहीं आपके साथ धोखा ना हो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते वक्त, कि आप कोई चीज़ का उचित दाम से ज़्यादा दाम न दे आना, ठीक है। सो प्राइस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट केडी केपी केई, केडी क्यों, जब आपको डिवेंचर का प्राइस निकालना है, केपी क्यों जब आपको प्रेफरेंस शेयर का प्राइस निकालना है, और केई क्यों जब आपको इक्विटी शेयर का प्राइस निकालना है। दिस प्राइस इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड प्राइस, ओके। मतलब क्या होता है कि आज भले ही चीज़ का दाम 90 है,
तो आप 90 में खरीद लेंगे। तो क्यों खरीद रहे? क्योंकि आपके हिसाब से इसका इंट्रिंसिक प्राइस 105 है। इसका मतलब थोड़ा समय के बाद, वो थोड़ा समय कितना होगा वो पता नहीं किसी को, बट लॉन्ग टर्म में जाके ये 105 होगा, लॉन्ग टर्म में जाके 105 होगा, तभी आप उस समय बेचोगे तो आपको गेन होगा। देखो, अंडर प्राइस चीज़ को बाय करके गेन कैसे होगा? जब आप 90 में खरीदोगे और बाद में जाके कभी बेचोगे, और कब बेचोगे? जब दाम ज़्यादा होगा। तो कोई भी सिक्योरिटी हमेशा अपना थ्योरेटिकल प्राइस को अप्रोच करता ही है लॉन्ग टर्म में। तो आज यदि हम बाय कर लेते हैं, बाद में जब भी अपना थ्योरेटिकल प्राइस को अप्रोच करेगा उस समय हम बेच देंगे तो गेन हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड प्राइस, अप्रोप्रिएट प्राइस, लॉन्ग टर्म प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस और इंट्रिंसिक प्राइस। तो जब भी एक्चुअल प्राइस कम है तो अपने अंडर प्राइस समझ के बाय कर लेते हैं, और एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है तो ओवर प्राइस बोल के सेल कर देते हैं, ओके। अब इसमें प्रेफर्ड रहता है कि जब भी आप प्राइजिंग करें KD, KP, उसके में KD के जगह YD लें। प्राइसिंग हमेशा मार्केट में इन्वेस्टरों के एंगल से करनी चाहिए, YD, YP। और KE में एक रूल है कि जब भी आप ये वर्किंग करें तो CAPM का KE लेके करें। कि CAPM में नाम ही रखा था कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल। इसमें कैपिटल एसेट का मतलब है एक्चुअली इक्विटी शेयर्स, और प्राइजिंग मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो RE है वो बनाया गया था एक्चुअली फॉर कैलकुलेशन ऑफ थ्योरेटिकल प्राइस। इसका एक्चुअल यूज़ थ्योरेटिकल प्राइस के लिए ही है, ठीक है। मतलब कैसे होता है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू वन एग्जांपल फॉर दिस। सोचो इक्विटी शेयर में आपको मैंने RF दिया 10%, RM दिया है 20%, ओके, और बीटा आपको कंपनी का दिया है, बीटा ऑफ कंपनी इज 1.2, बीटा ऑफ कंपनी इज 1.2 टाइम्स, ओके। और आपको बता रहे D0 दे रहा हूँ, मान लीजिए करंट ईयर डिविडेंड जो कंपनी ने अभी दिया, D0 बोलते हैं, वो है से 5 रुपीस, और ग्रोथ रेट है यहाँ पर 8%, आपको P0 निकालना है, आपको P0 निकालना है, कैसे निकालोगे मुझे बताओ। तो हाउ विल यू फाइंड दिस P0? पहले RE निकालो, वेरी गुड, पहले RE निकालो। RE कितना होगा? 10% प्लस 20 माइनस 10 इंटू 1.2, तो ये आ रहा है 22%। ये RE CAPM से निकालोगे, इसी को KE बना लोगे, और बेस्ड ऑन दिस ग्रोथ रेट दिया हुआ है तो गॉर्डन्स मॉडल में चल जाओ। KE इज इक्वल टू D1/P0+G यूज़ करो। यहाँ पे KE मालूम है आपको, विच इज़ 22%, और D1 आपको निकालना पड़ेगा। D1 विल बी D0 × 1+G। D0 है आपका 5 × 1+0.08,
इज इक्वल टू 5.4, 5 × 1.08 इज 5.4, सो 5.4 डिवाइडेड बाई P0 प्लस 0.08, सो 5.4 इसको सॉल्व करो, 22% है तो 22 माइनस 0.22 माइनस 0.08 0.14 आया, 5.4 डिवाइडेड 5.4 डिवाइडेड बाय 0.14, सो यहाँ पे P0 आ रहा है 38.57। समझ में आया आपको मैंने क्या समझाया था कि KE के लिए हमने बोला कि जब प्राइसिंग करना हो तो प्रेफर करो ये वाला RE ही KE बन जाए इक्विटी का जब प्राइसिंग करना हो। अब क्वेश्चन में RFRM बीटा नहीं दिया हुआ है तो जो KE दिया हुआ है वही लेना पड़ेगा, फिर तो कोई उपाय नहीं है, फिर तो जो KE दिया हुआ है वही लेना पड़ेगा। अगर हो सके तो KE CAPM वाला लो और उसके बाद आप अपना नॉर्मल फॉर्मूला में पुट करके प्राइस निकाल दो। अब एक्चुअल प्राइस अगर 35 है तो बाय करोगे कि सेल करोगे, इसमें परसेंट नहीं है बेटा सना खान, इसमें परसेंट नहीं है, ये रुपीज़ में रहेगा, प्राइस है इसका। एक्चुअल प्राइस अगर 35 है तो बाय करोगे कि सेल करोगे, एक्चुअल प्राइस अगर 35 है तो बाय करोगे कि सेल करोगे, एक्चुअल प्राइस यदि 35 है तो बाय करोगे कि सेल करोगे, बाय करोगे, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स में। नेक्स्ट वी आर कमिंग इन कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एकदम कॉस्ट ऑफ इक्विटीज का कॉपी पेस्ट है, इट इज सेम एज KE। जैसे KD के साथ KP फ्री था तो KE के साथ KR फ्री है, सेम एज KE। बट इसमें एक दो छोटा सा चेंज है, जैसे जब KE निकालते हैं तो उसमें जब D1 बाई P0 प्लस G लेते हैं ना, तो P0 क्या होता है, जो नया शेयर का इशू प्राइस होता है, न्यू शेयर का इशू प्राइस उसको लेते हैं, माइनस अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट हो तो वो भी, ठीक है, माइनस यदि फ्लोटेशन कॉस्ट हो तो वो भी लेते हैं। तो KE और KR में एकदम समानता है क्योंकि KR भी इक्विटी शेयर का ही है ना, तो उधर भी D1 बाई P0 प्लस G होगा, बट उसका P0 में एक ट्विस्ट है कि इट हैज़ टू बी शेयर प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स प्राइस, यू कैन नॉट टेक न्यू शेयर प्राइस। तो दिस इज द थिंग, नया शेयर होल्डर का रिजर्व्स नहीं होता, पुराना लोगों का रिजर्व्स होता है, तो इट हैज़ टू बी एग्जिस्टिंग शेयर्स प्राइस एंड देन देयर कैन नॉट बी एनी फ्लोटेशन कॉस्ट। रिजर्व्स का रुपया यूज करने के लिए कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता, हो तो अपने पास रुपया रखा हुआ है बस यूज कर लो, देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट। तो दिस इज वन बेसिक डिफरेंस, एवरीथिंग दैट यू डू इन KE यू कैन डू इन KR, जस्ट कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट टेक द सेम शेयर प्राइस एज KE। इफ KE इज बेस्ड ऑन न्यू शेयर प्राइस एंड फ्लोटेशन कॉस्ट, इन KR यू कैन नॉट टेक न्यू शेयर प्राइस, यू विल टेक एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस और ओल्ड शेयर प्राइस एंड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। सो व्हाट डू यू थिंक, KE इज चीपर और KR इज चीपर, जल्दी बताओ, KE चीप होता है कि KR चीप होता है, KE चीप होता है कि KR चीप होता है, KE चीप होता है कि KR चीप होता है, बताओ। हमेशा KR सस्ता होता है, KR इज लेस देन KE, हमेशा KR सस्ता होगा KE से, हमेशा, दैट्स अ रूल, KR विल ऑलवेज बी लेस देन KE। क्यों? क्योंकि सस्ता होता है, घर का रुपया यूज करना सस्ता पड़ता है ना। अच्छा, अगर कभी KR निकालना हो यूजिंग KE, तो KE महंगा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। तो KE में से यदि हम फ्लोटेशन कॉस्ट का कोई परसेंट हमें मालूम हो वो माइनस कर दे तो KR KE इक्वल हो जाता है, KR KE इक्वल हो जाता है। ओके और कभी कभी ऐसा होता है कि देखो रिजर्व्स भी है ना, अगर मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मेरी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, उस कंपनी में बहुत सारा रिजर्व्स है,
ठीक है, तो वो रिजर्व्स जैसे ही मेरे को वो कंपनी देगी मेरे हाथ में, तो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी को छोड़ो, मेरे पास जैसे ही वो इनकम आएगा ना, तो देखो हर कंट्री में एनी काइंड ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फ्रॉम आवर इंडियन कंपनीज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन इंडिया, बट इट्स नॉट द रूल इन ईच एंड एवरी कंट्री। जैसे इंडिया में आप लोग को टैक्स लॉ में पढ़ाते हैं ना कि आपका शेयर्स पे जो इनकम आपके पास आया डिविडेंड बोलकर, वो एग्जेम्प्ट है प्रोवाइडेड उस कंपनी ने उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है। ओके, अब इसमें भी कैपिटल गेन का टैक्स लगने का बात आ गया ना, नया नया चीज आ रहा है लॉ में, बट कई सारी कंट्री में ऐसा है जहाँ पर किसी भी फॉर्म में अगर कोई भी कंपनी पर्सनली किसी शेयर होल्डर को इनकम दे रहा है, तो शेयर होल्डर नीड्स टू बियर द टैक्स ऑल्सो। सो आप शेयर होल्डर के नज़र से सोचोगे तो वो इनकम और कम हो गया। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन में दिया हो, क्योंकि हालांकि ये लॉ इंडिया में लागू नहीं है, बट क्वेश्चन में एक बार सीए का एग्जाम में आया हुआ है कि शेयर होल्डर्स पर्सनल टैक्स रेट अगर दिया हो, तो हिसाब से मेरा इनकम तो और कम हो गया नेट ऑफ टैक्स। तो जो मेरा नेट इनकम है वही आपका नेट कॉस्ट है, बेसिक आइडिया ये है। मेरा जो नेट इनकम है एज एन इन्वेस्टर, जो मेरा नेट इनकम है वो कंपनी का नेट कॉस्ट है। सो अगर दिया हुआ हो शेयर होल्डर्स पर्सनल टैक्स रेट, तो वो भी पर्सनल टैक्स रेट भी आप माइनस करोगे, टैक्स रेट ऑफ पर्सनल, जिससे कि KR आपका और कम हो गया, इनकम और कम हो गया। तो इसी को समझाने के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है KR इज इक्वल टू KE इंटू 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंटू 1 माइनस ऑफ TP। TP इज वॉट पर्सनल टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर। हालांकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट नहीं है, बट FM में कुछ भी हो सकता है। ओके, सो इन समटाइम्स ऑल्सो वी डू कि अगर पर्सनल टैक्स रेट दिया होता है ना, तो डिविडेंड से भी 1 माइनस TP हटा देते हैं। मतलब जो भी हम इन्वेस्टर को डिविडेंड भी देंगे, हम कंपनी अगर इन्वेस्टर को डिविडेंड देंगे और पर्सनल टैक्स रेट एप्लीकेबल है, तो उस डिविडेंड पे उसको तो टैक्स भरना पड़ेगा, तो उसका नेट इनकम ऑफ डिविडेंड और कम हो जाएगा। तो डी इंटू 1 माइनस TP इज द नेट इनकम ऑफ इन्वेस्टर डिवाइडेड बाई IP। IP इज बेसिकली MPS भी बोला जा सकता है, इशू प्राइस या मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, ये भी बोला जा सकता है। सो ये एक नया चीज़ है कि अगर शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट दिया होगा, तो आप पर्सनल टैक्स रेट का इफेक्ट भी हटा दोगे। मतलब कुछ कंट्रीज़ में ऐसा रूल्स है कि कंपनी यदि डिविडेंड के नाम पर अपना रिजर्व्स किसी भी तरीके से अपने शेयर होल्डरों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपना रिजर्व्स किसी भी शेयर होल्ड तरीके से शेयर होल्डरों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो शेयर होल्डर को पर्सनल टैक्स रेट देना पड़ेगा, पर्सनल टैक्स देना पड़ेगा, पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो वो टैक्स के कारण उसके हाथ में तो नेट इनकम और कम आया, तो जो इन्वेस्टर का नेट इनकम है वो नेट इनकम आपका KR बनेगा। तो दैट्स द बेसिक आइडिया। रिटेन्ड अर्निंग बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर ओनली। KR इज इक्वल टू KE। इन जनरल KR इज लेस देन KE व्हेन वी यूज रिटेन्ड अर्निंग्स, वी डू नॉट इनकर एनी फ्लोटेशन कॉस्ट। देयरफॉर KR इज इक्वल टू KE इंटू 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंट। बट अगर शेयर होल्डर का टैक्स रेट दिया हुआ है, तो और एक 1 माइनस TP या फिर D इंटू 1 माइनस TP बाई IP और MPS, वे TP इज पर्सनल टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, सो इसके बाद अब जो पढ़ाई आती है फ्रेंड्स, वो आती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर, जहाँ पर हम लोगों को चारों सोर्स ऑफ कैपिटल का अलग अलग, इक्विटी, रिजर्व्स, प्रेफरेंस और डेट का पहले वर्किंग नोट्स में अलग अलग KE, KR, KP, KD आपको क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पता करना पड़ेगा, और फिर क्वेश्चन में देखना होगा कि वो किस तरह से वेटेड एवरेज करवाना चाह रहा है, बुक वैल्यू के बेस पर कि मार्केट वैल्यू के बेस पर कि दोनों के बेस पर। सो इस पूरे इक्विटी शेयर्स का कंपनी में जो भी इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है उसका बुक वैल्यू क्या है और उसका मार्केट वैल्यू क्या है, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोनों से करना है तो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू अमाउंट में आएगा, मैंने ऐसे ही सिंबल बना दिए ABCD और ERPD। ओके, और फिर वेटेड एवरेज करने के लिए बुक वैल्यू इंटू कॉस्ट परसेंट करोगे तो बुक वैल्यू से काम होगा, और मार्केट वैल्यू इंटू कॉस्ट परसेंट करोगे तो मार्केट वैल्यू से काम होगा। ओवरऑल कॉस्ट आया, टोटल कॉस्ट को फिर आप टोटल मार्केट वैल्यू और टोटल बुक वैल्यू से डिवाइड करोगे,
तो आपका केओ निकल के आएगा। बुक वैल्यू बेस्ड भी वर्किंग होता है और एक मार्केट वैल्यू बेस्ड भी वर्किंग होता है। और एक कॉन्सेप्ट होता है वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट में फ़र्क क्या होता है कि अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए अलग से नया कैपिटल लेकर आ रहे हैं अलग अलग सोर्स से, तो उस नया प्रोजेक्ट का जो टोटल कैपिटल आ रहा है उसका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ फॉर द न्यू प्रोजेक्ट दैट इज़ बिंग अंडरटेकन। और ऐसे WACC का मतलब होता है बस एवरेज करो, बट मार्जिनल मतलब खाली एक नया एड ऑन आ गया कि आप एक नया प्रोजेक्ट करें उसके लिए नया सोर्स से चारों तरह से कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो उस चारों का एवरेज को जो आंसर बोला जाएगा उसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाएगा। वैसे एवरेज ही करना है उधर भी, बस वो नया प्रोजेक्ट हो रहा है बोलकर उसका नाम रख देते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या, कुछ नया करने के लिए कुछ नया कॉस्ट, उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी वेटेड एवरेज ही करना है, बस क्वेश्चन में फॉलो करना कि नया प्रोजेक्ट का कैपिटल का बात हो रहा है। ओके, अब नया प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल का वेट अगर नहीं दिया हुआ है तो पुराना का वेट का रेशियो में अज्यूम भी कर लेते हैं। इट इज़ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर न्यू कैपिटल और एडिशनल कैपिटल प्रोक्योर्ड ओवर एग्जिस्टिंग कैपिटल। इट इज़ यूज एज बेसिस टू इवेल्युएट अ न्यू प्रोजेक्ट टू बी अंडरटेकन बाय अ कंपनी फॉर विच एडिशनल कैपिटल इज बिंग प्रोक्योर्ड। कोई नया कैपिटल लेकर हम नया प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम अपना एग्जिस्टिंग कॉस्ट को क्यों उस पर डालेंगे, हम नया कॉस्ट जो लग रहा है उसके उसके बेस पे नया प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करेंगे ना। अब मैं अगला दिन आपके साथ क्या करूँगा, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये आप होमवर्क में भी सॉल्व करके ला सकते हैं। ओके, इसमें ये दो एक नया क्वेश्चन है जो ICMAT में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। वैसे मैंने ये एग्जाम्पल मेरे क्लास के मैट में भी है जिसमें पार्ट ए आपको क्लास में कराया हुआ है। ये दो नया क्वेश्चन है जो ICMAT में डाला हुआ है, इसको मैं अगला दिन करा दूंगा आपको। आप इसको घर पे ज़रूर अटेम्प्ट करिए एक बार, जिसमें पार्ट ए का 1, 2, 3 आपसे हो जाना चाहिए, इसको आप कर लीजिए। और मैं अगला दिन आपसे डिस्कस करता हूँ कि आपका यहाँ पर क्या आंसर होगा। इसका आंसर दे देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ न्यू डेट है 8.33 और कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स है यहाँ पे 12% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स है यहाँ पे 15%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स है 15%, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बी वाला इसका आंसर है 13.85। नहीं, यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो गया, रुको। यहाँ पे ये सी और डी कर देते हैं इसको, या बी सी रहने दो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में एक डाल दो कि आपको वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, WMCC निकालना है, जिसका आंसर है 13.85। इसका आंसर है 13.85, तो ये आप करके आइएगा। ओके, पार्ट बी और सी मैं कराऊंगा, तो थोड़ा ट्रिकी है, नया चीज़ है, वो मैं कराऊंगा। ओके, एक प्रिया पूछ रही हैं कि सर आप वो बाय और सेल कुछ समझाए थे वो क्या था। देखो, ये कोई भी चीज़ का इंट्रिंसिक प्राइस यदि एक्चुअल से ज़्यादा है, इंट्रिंसिक मतलब उसका असली प्राइस, रियल प्राइस 105 है अगर किसी सिक्योरिटी का और एक्चुअल में 90 है, तो इसका मतलब वो सिक्योरिटी अंडर प्राइस चल रहा है। तो अंडर प्राइस चीज सस्ता चल रहा है, अंडर प्राइस मतलब सस्ता है तो खरीद लेना चाहिए, बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर महंगा हो तो हम लोग बोलते हैं बेच देना चाहिए, उल्टा बोलते हैं। बस 120 अगर होता है यहाँ पर एक्चुअल में मार्केट प्राइस तो हम लोग बोलते सेल कर दो, ठीक है। अब सेल करने से कमाते कैसे वो भी समझ लो। जैसे अगर यहाँ पर प्राइस 120 होता तो हम लोग क्या बोलते, ये 105 है, ये 120 है, तो हम लोग बोलते ओवर प्राइज्ड है। ओवर प्राइज्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, आप सेल कर दो। अब सेल कर दो मतलब 120 में बेच दो, तो इनकम कैसे होगा, तो जब 105 आएगा तब खरीद लेना,
तो आप बोलेंगे कब खरीदेंगे, ऐसे उल्ट कोई चीज़ को पहले बेच दो फिर खरीदो, शेयर मार्केट में होता है, पहले बेच देना बाद में खरीद लेना। उन लोग एक विंडो देते हैं, मतलब एक टाइम अलाउ करते हैं कि अभी आपने बेच दिया तो इतना समय में खरीद के ट्रांजेक्शन क्लोज कर सकते हो। नॉर्मली आप पहले खरीदते हो फिर बेचते हो इन जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस, पर स्टॉक मार्केट में पहले बेच के फिर खरीद के भी ट्रांजेक्शन क्लोज करने का ऑप्शन होता है। बट वो लोग इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते कि 2 साल लेके बैठे रहो, अभी बेच के छोड़ दो बाद में खरीद लेना, ऐसा नहीं होता है। वो लोग एक विंडो देते हैं, सेम डे करो या विद इन इतना डेज करो। स्टॉक मार्केट का पढ़ाई अभी नहीं करा रहे, बट स्टॉक मार्केट में दोनों आपको ऑप्शन देता है कि पहले खरीद लो बाद में बेच लेना, या फिर पहले बेच दो बाद में खरीद लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू सो मच। आज आप लोग बहुत पेशेंटली पूरा क्लास सुन रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली इन्जॉयड पूरा पूरा क्लास आप सुन रहे थे आज। चलिए गुड। आज का वीडियो मैं लाइव कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट अपना आराम से लेते रहिएगा। ओके चलो, थैंक यू थैंक यू। कई सारे दोस्त आ नहीं रहे अभी आपके, आजकल क्या बात है, कुछ कारण है, कुछ पता है आपको? कई सारे लोग नहीं आ रहे हैं। कल की क्लास में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी पढ़ेंगे। आर्बिट्रेज प्रोसेस इंटर लेवल में पढ़ा रहा हूँ अभी, उसमें कोई उतना ज़रूरत नहीं आर्बिट्राज वगैरह का। यस हर्ष, मुझे याद है आपने ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से। इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन होगा तो भी नॉन कन्वेंशनली होगा, राइट? यस, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी सब में है, हर रोज एक ही सवाल है आप लोग का, इसमें है उसमें है। आज कब टाइम बीत गया पता भी नहीं चला, सही बात है कि आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे आज, मैं देख रहा था कि ऑल वेयर वॉच लिसनिंग वेरी वेरी पेशेंटली। ये वीडियो मैं लाइव कर दे रहा हूँ आज। ओके तो आप आराम से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। SM भी पढ़ाएंगे ना, देखते हैं। चलिए बाय बाय। अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिएगा ना जी, कम से कम 100 लाइक तो आप लोग ही कर सकते हैं, 64 ही चल रहा है अभी भी। अच्छा, आज नोटिफिकेशन नहीं आया और SJC पेज में भी नहीं दिख रहा था, ये तो नया बात सुने भाई। हंड्रेड 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 लाइक पहुंचाना होगा, 100।
तो नोटिफिकेशन यदि नहीं आ रहा है तो भी तो क्लास हो ही रहा है, ये तो पता ही है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक करके निकलिएगा, बाय बाय। आउटस्टैंडिंग फिक्स्ड ओवरहेड इज अ पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटी, यस इट इज अ पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटी। शो नहीं करता है लाइव वीडियो आपका, अच्छा अच्छा मैं देखूंगा ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। अपने तो टाइम पर ही आके स्टार्ट कर देते हैं, सही बात है। May 21 के लिए ऐसा रिवीजन होगा अभी से फ्यूचर का चिंता बहुत है, ढूंढ कर देखना पड़ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओके तो ये मेरे ही क्लास के साथ हो रही है कि बाकी सर लोग का भी ढूंढना पड़ रहा है? ओ FM में ही ये हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। मैं तो नॉर्मल जैसे क्लास शेड्यूल करता हूँ वही कर रहा हूँ। आप लोग FM क्लास में रिमाइंडर सेट नहीं कर रखे हैं क्या? वो सेट रिमाइंडर एक ऑप्शन आता है, सिर्फ FM वाले में हो रहा है। ओके चलिए देखेंगे, खोजेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। चलो अब आराम करो थोड़ा सा, फिर अकाउंट्स की क्लास करने चले आना, CMA Group 1, और शाम को IDT की क्लास है ही। ओके चलिए बाय बाय, थैंक यू।